इस प्लेन में अगर डिसीजन करें तो कौन बताए इस डायरेक्शन में क्या नाम देते हैं? डैट इज नॉर्थ ईस्ट। और दिस डायरेक्शन? यस यस, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। दोनों के बीच का एंगल? दिस इज 45, दिस इज 45। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री को और क्या क्या नाम देते हैं? तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वेक्टर और साउथ ईस्ट वेक्टर दोनों क्या हैं? आपस में ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, दोनों राइट एंगल पे हैं, ऐसे कुछ भी आप नोमेनक्लेचर बोल सकते हो। तो फर्दर हमने क्या डिसीजन कर रखा था? तो वेक्टर्स किस केस में चेंज होते हैं और किस केस में चेंज नहीं होते, बताओगे? सब लोग हाथ हिला, ऐसा करेंगे, इस केस में चेंज हो जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है? तो हेड या टेल का वोट रोटेट करना। तो हेड या टेल का वोट क्या करेंगे आप? रोटेट करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और अगर इसे ट्रांसलेट करोगे तो चेंज नहीं होता। या एक्सिस को ट्रांसलेट कर दें, चेंज नहीं होता। एक्सिस को रोटेट कर दें, इस केस में भी चेंज नहीं होते। तो याद होगा आपको। तो अदर कॉम्पिटेटिव की प्रॉपर्टी क्या बताया गया था? वेक्टर्स में ये एप्लीकेबल है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होते हैं? वेक्टर्स के लिए तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूट करना। वेक्टर्स में ये ट्रू है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो डैट प्रॉपर्टी इज कम्यूट करना बोलते हैं उसे। तो फर्दर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग तो मूव करते हैं। एसोसिएशन आपने देख रखा था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये जो है तो जो एडिशन का साइन जो है पहले इस इन दोनों को ऐड कर लें, या फिर जो है तो ऐसा कर लें, ए एंड बी को ऐड करके तो तीसरे सी के साथ ऐड करें, या फिर बी एंड सी को ऐड करें पहले और फिर किसके साथ ऐड करें? दोनों क्या होते हैं? ये वाले और ये वाले क्या होते हैं? आपस में सेम होते, सेम ही प्रोसीड्यूर है। तो ये प्रॉपर्टीज वैलिड है हमारा। नाम से क्या बोला गया था इसे? तो फर्दर और क्या बताया गया था कि वेक्टर्स का अपना क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वेक्टर्स का अपना क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। वेक्टर्स है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसके बारे में? वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? जस्ट मान लिए क्या है, तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पे तुम क्या करना चाहते हो, तो इस पर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, इस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पॉइंट पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे हम लोग बर्डन का मेजरमेंट जब पढ़ेंगे तो बोल यही बात बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे वेक्टर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा बर्डन माना जाएगा, अदरवाइज बर्डन वैलिड नहीं है। तो वेक्टर्स हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डैट इज द प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। वन मोर प्रॉपर्टी क्या लिखवाया गया था? यस बताएंगे लोग, गुड, लाइन ऑफ एक्शन। वेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, आपको दिखा दिया गया, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर्स का क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन। वेक्टर्स हैज लाइन ऑफ एक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेक्टर्स का अपना क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन होता है। इसका कोरिलेशन जो होता है अर्लियर जो आपने पढ़ रखा है, वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं तो चेंज नहीं होता, उससे कनेक्ट हो जाएगा ये। बाकी हम लोग तो अलग से डिसीजन कर लेंगे। मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया आपने, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे इसके वेट के बारे में डिसीजन करना होगा। इसका वेट क्या कर रहा है? ऐसा एक्ट कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो क्या करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये क्या हो रहा है? ये वेक्टर हमारा ऐसा काम कर रहा है, इस जो ये वेक्टर हमारा जो काम कर रहा है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होंगे ये वाला, यहाँ पे इमेजिनरी आप लाइन अज्यूम करो यहाँ पे और ऊपर में, तो उस लाइन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर का अपना लाइन ऑफ एक्शन। ये बोला कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लें और दिस लाइन इज कॉल्ड, ये वाला जो लाइन है हमारा, तो डैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। मतलब बोला जा रहा है कि अपने पर्पस के लिए इस वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं?
तो या तो यहीं पे छोड़ के जो वेक्टर का डायरेक्शन है हमारा, जो वेक्टर का ये डायरेक्शन हो क्या क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। आप या तो वेक्टर को यहीं पे रख के इस लाइन पे काम कर सकते हो, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है और ये इस लाइन का डायरेक्शन है, दोनों क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो या तो हम क्या करें, वेक्टर को यही रहने दें और लाइन को क्या कर लें, एक्सटेंड कर दें। और इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ एक्शन। या इसी का तो यूटिलाइजेशन ऐसे भी अर्लियर हमने करा था कि क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जिस लाइन पे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज लाइन इज कॉल्ड। ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी हम लोग, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन वाला जो केस है, आगे जाके हमें जब टॉर्क पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर्स का अपना क्या होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। अगर वेट ऐसा एक्ट कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। जल्दी से बताएंगे, अगर ऐसा कोई पार्टिकल चल रहा है, ये कोई पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है हमारा पार्टिकल, इसके बारे में क्या बोलेंगे, कहाँ चल रहा है, इसके बारे में बोलते हैं कि हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उस पर चल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे चल रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे हमारा ऐसे चल रहा है पार्टिकल, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे अपने ऑब्जर्व किया इसे, मास एम और वेलोसिटी भी, तो बोलेगा मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन बता दें। इस लाइन पे चल रहा किसी इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे होगा ये, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा और ये क्या होगा हमारा, मोमेंटम वेक्टर होगा। ये क्या होगा हमारा, तो मोमेंटम वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इसको एक्सटेंड कर दोगे आगे और पीछे, तो डैट विल बी आवर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंटम वेक्टर। लाइन ऑफ एक्शन होता है किसका है, वेक्टर का। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर को स्पेशली चूज किया, मोमेंटम। तो मोमेंटम किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का एम इंटू वी है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो मोमेंटम एम इंटू वी है, तो इस मोमेंटम वेक्टर का क्या खींचे आप, लाइन ऑफ एक्शन। तो इसको आगे भी एक्सटेंड कर दो, पीछे भी एक्सटेंड कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, हमें वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी लाइन को क्या मान लेंगे अब, इस मोमेंट पे वेक्टर तो हमारा यहाँ पे है, बट हम लोग अपना काम जो है तो इस लाइन पे कहीं भी कर सकते हैं, इस लाइन पे कहीं भी तो अपना प्रोसीड्यूर कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ रही है, कॉम्पोनेंट। वेक्टर का कंपोनेंट बताएंगे कितने होते हैं, जनसंख्या बताओगे कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक होते, दो होते, तीन होते, चार होते, पांच होते, दस, बीस, कुछ भी अपनी, तो इन्फिनाइट कंपोनेंट। आप क्या बताएंगे, दो कंपोनेंट, आप कितने बताएंगे, बोले ध्यान सुनेंगे। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, स्प्लिट करना। कंपोनेंट का मतलब ब्रेक करना, स्प्लिट करना। तो मैं इस पे पूछूं कि इस ग्लास के कितने कंपोनेंट है, क्या बताओगे, इन्फिनाइट कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है, ये जो है ना, किसी एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा गया था कि उसको एक ग्लास दे दिया गया, जैसे आप जाते हैं ना अंदर, तो आपको एक ग्लास ऑफ वाटर दिया गया, अब पूछा गया कि इस ग्लास ऑफ वाटर में कितने कंपोनेंट है, इसमें कितने टुकड़े हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, उसने ग्लास को छोड़ दिया और बोला कि आप काउंट कर लीजिए कितने कंपोनेंट हैं, और यही इसका सही आंसर भी है। समझ आई बात नहीं आई, तो ये बोला जा रहा है कि किसी वेक्टर के सिर्फ पूछा गया कितने कंपोनेंट है, तो बोलेंगे इन्फिनाइट कंपोनेंट है, कितने नाम देंगे, आंसर देंगे आप, सिर्फ इतना ही पूछा गया किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप, इन्फिनाइट कंपोनेंट आंसर देंगे। क्लियर, दैट इज वन एस्पेक्ट, किसी वेक्टर के इन्फिनाइट कंपोनेंट। अब पूछा जाएगा दूसरा क्या होता, तो जो कंपोनेंट हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो उनमें आपस में कुछ कोरिलेशन होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर के बारे में सुना होगा आपने, रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ज्योमेट्री को रेक्टेंगुलर बोलते हैं जिसमें दो कंजुगेटिव साइड में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, उसी को वहाँ से 90 डिग्री को ही क्या चूज किया गया, रेक्टेंगुलर।
तो अगर आपसे पूछेगा किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ, क्या बताओ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ, मतलब ऐसा बोल रहा कि ऐसे दो कंपोनेंट का नाम बताओ या ऐसे कंपोनेंट्स का नाम बताओ जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा जाएगा। तब आप फिर से उनसे एक सवाल पूछोगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जनसंख्या प्लेन में बताना है या स्पेस में बताना है, प्लेन मतलब 2D में बताएं या 3D में बताएं, तो अगर बोलेंगे कि 3D में बताना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन अ स्पेस, तो क्या बताएंगे? 3 बताएंगे, XYZ, ये हाथ से ऐसा दिखाएंगे, सब लोग ऐसा हाथ को ओरिएंट करेगा, आपस में क्या है तो XYZ 3 एक्सिस हैं, सब लोग करेंगे काम, जो आपसे तो छोटा मोटा काम करवाया जाता तो डेफिनेटली करें, तो डेफिनेटली किसी भी दो के बीच का एंगल कितना हमारा 90 डिग्री, तो इसी को क्या बोलते हैं, किसी वेक्टर के 3 डायमेंशनल में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, तो 1, 2, 3, 3 आंसर देंगे। किसी वेक्टर के स्पेस में या 3 डायमेंशन में तो कितने कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट पूछा जाएगा तो इन्फिनाइट बट रेक्टेंगुलर पूछा जाएगा, कंपोनेंट तो डेट बी इन्फिनाइट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में पूछा जाएगा, तो इन डैट केस तो आप बताएंगे 3D में, 2D में, 3 डायमेंशन को स्पेस भी बोलते हैं और 2 डायमेंशन को प्लेन। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का नाम बताओगे? किसी बच्चे को समझाना, दूसरी तीसरी क्लास में इंट्रोडक्शन आ जाता है ज्योमेट्री का, तो वहाँ से बताते हैं 3 डायमेंशन का एग्जांपल उसको बच्चे को कैसे दोगे, 3 साल के बच्चे को, आप दिखा सकते हो, हाथ से दिखा ही सकते हो, उसके पास भी होते हैं ना ये, दिखा सकते हो उसको, या फिर दूसरा क्या बोलोगे, ऐसा कोई ज्योमेट्री जिसमें बाटर स्टोर कर सकते हैं, तो डैट ज्योमेट्री क्या कहलाता है? 3 डायमेंशन, जिसमें पानी स्टोर किया जा सकता है, और ऐसे पानी भर के दिखा दो कि ये क्या है बेटा, 3 डायमेंशन नाम से इसका ज्योमेट्री क्या नाम देते हैं, तो सिलेंडर नाम देते हैं, तो डैट इज, तो 3D में क्या बताएंगे, तो डैट विल, तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और 2D में डैट विल 2, कोई भी दो ले लोगे, यहाँ पे XYZ होता है और यहाँ पे क्या होता है, आइदर XY चूज कर लें, YZ और XZ। तो नेक्स्ट मूव करेंगे कंपोनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले ब्रेक कर देता हूँ, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो निकाल लेते हैं, प्लेन में स्टडी कर रहे हैं, वेक्टर इन प्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केस में हम लोग तो कहाँ पर स्टडी करेंगे, तो प्लेन में, पूरा फिजिक्स में तो आपको जो सिलेबस है तो कहाँ पर स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशन में प्लेन में, 10% केस में तो 3D की जरूरत पड़ेगी, हाँ स्पेस, 3D को ही स्पेस बोलते हैं, 3D को क्या बोलते हैं, स्पेस, ये पूरा जो है तो मतलब इस पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग अपने स्टडी के लिए तो कितने डायमेंशन में तोड़ सकते हैं, तो 3 में ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो ये मिलाकर पूरा क्या हो गया, स्पेस हो गया, आइदर उसे स्पेस बोलें लोकल लैंग्वेज में या फिजिक्स में उसको क्या बोलते हैं, 3D, और शो आउट करेंगे मतलब कैसे भी ओरिएंट किया हुआ ना वेक्टर्स, तो उनको किस में, तो लाइक समरी मिला सकते हैं, ब्रीफिंग कर सकते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स में ब्रीफ कर सकते हैं, और इसको 3D, हाँ इन्फिनाइट कंपोनेंट तो डिसअरेंज्ड है, मैं बोलता हूँ कि हैं तो इन्फिनाइट बट उनको लाइक कंप्रेस करके कितने में मिनिमाइज किया जा सकता है, 3 में किया जा सकता है, तो ऐसे कंपोनेंट की बात करेगा तो क्या बताएंगे आप, तो इन्फिनाइट, बट बोलेगा मेजर कंपोनेंट या लाइक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वहाँ पे क्या आंसर देंगे, तो डैट आंसर विल बी 3। जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा ना, तो वैसे तो ऐसे पूछा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने पार्ट है, ऐसा थोड़ी बताओ कि बोन्स कितने टाइप के होते हैं, ब्लड इतने, ये वो ऐसा नहीं बोलता ना, मेजर कुछ आपके पास होंगे, होता ना कुछ सिस्टम कि आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, CNS है कुछ, और ऐसे कुछ होते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ऐसा कुछ मेजर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हाँ या नहीं, तो ऐसे बोलते हैं कि स्पेस में कोई भी वेक्टर है तो वैसे तो उसमें हैं कितने, इन्फिनाइट है, समझ आई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कितने का तो लाइक कंपोनेंट्स हैं, और तो इन्फिनाइट है, तुम्हारे अंदर जो भी या किसी भी सिस्टम को कितने पार्ट्स में ब्रेकआउट किया जा सकता है पता है तुम्हें, कि इस स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट इतने छोटे पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, तो कितने कंपोनेंट बनेंगे बताओ, 10 का पावर -39,
टेन का पावर, इसका प्लस भी वैल्यू और माइनस भी वैल्यू, आज तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना होता है ये। तो इतने छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है तुम्हारे पार्ट्स को, तुम्हारे बॉडी के पार्ट्स को। तो तुम्हारे बॉडी में ऐसे पूछा जाएगा तो कितने पार्ट्स बोलेंगे, तो इन्फिनाइट, यहाँ काउंट ही नहीं कर सकते तुम। बट जैसे जैसे तुम तो पढ़ते हो तो मेजर पार्ट्स को स्टडी करते हैं, तो मेजर पार्ट यहाँ पे कुछ स्टडी करते हो ना कि ये मेजर पार्ट्स है पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, कुछ पार्ट्स में बांटते होगे ना, या इन्फिनाइट बोलते हो नहीं ना, मेजर तुम चंक लेते हो कि यही हमें पढ़ना। तो ऐसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे कि हैं तो किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हैं, इन्फिनाइट हैं, बट हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना एक कन्वेंशन बताया जहाँ पे हमारे ये तीन कंपोनेंट्स को ब्रेक करके पूरा स्टडी कर सकते हैं। तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक करके क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। कंप्रेस किया गया, न्यूटन ने इसको कंप्रेस किया, तो डैट वे कंपोनेंट किसी वेक्टर का निकालने जा रहे हैं। कोई वेक्टर गिवन है, ध्यान सुनोगे, किसी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। कोई वेक्टर गिवन है मतलब क्या गिवन है, कोई वेक्टर गिवन है मतलब क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है। तो ये वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड इतनी है, मैग्नीट्यूड कितना ए है, और डायरेक्शन कितना, तो एंगल थीटा पे है। एक एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है। ये बहुत, ये तो वेक्टर इन प्लेन स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक का लाइक हेडिंग डाल देंगे आप वेक्टर इन प्लेन। और आज जो, तो जो अभी जो 5 मिनट के अंदर जो दो दो, दो, दो फार्मूले लिखवाऊंगा यहाँ पे, तो उस फार्मूले को एटलीस्ट घर पे जा करके 2-3 बार तो प्लेन पेपर पे अपने हाथ से लिख लेना, क्योंकि आगे हम जब भी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ें, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ें, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ें, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ें, इन सभी जगहों पर हम लोग प्लेन में स्टडी करेंगे और ये प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे आप समझ लोगे अच्छे ढंग से, तो वहाँ पे आप अपने आप लिखना शुरू कर दोगे। और जब आप अपने आप लिखना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ा, तो हैप्पीनेस आएगा आपके अंदर भी, और सबके लिए वो हैप्पीनेस की बात होगी। समझ आई बात नहीं आई? क्योंकि ना आप जो कॉमन से एग्जांपल है कि जब ना किसी के बच्चे होते हैं तो क्या होता है, उसका बच्चा जो है ना छोटा है तो क्या होता है, हाथ पकड़ के चलाता है पहले, तो गोद में लेता है पहले, फिर धीरे धीरे क्या करता है, थोड़ा चलना शुरू करता है, उसको सपोर्ट देता है, हाँ या नहीं? और फाइनली उसको सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन होती है, अरे बच्चा जब खुद चलने लगता है। समझ आई बात नहीं? बच्चे को भी खुशी होती है कि हम उसके सपोर्ट से फ्री हो गए, और तुम्हें भी हैप्पीनेस होती है कि चलो अभी कुछ कर सकता है, अकेले भी कुछ कर सकता है, हाँ या नहीं? तो सेम चीज़ यहाँ पे ही है कि अगर जिस दिन तुम खुद ही लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये क्वेश्चन है, और प्लेन में ये क्वेश्चन है, और उसका कंपोनेंट्स ऐसे लेंगे या वेक्टर को हम ऐसे फॉर्म करके प्रोसीड कर देंगे, उस दिन आपके अंदर भी हैप्पीनेस आएगी और हमारे अंदर भी आएगी। और ये क्या है, तो लाइफ का थीम भी है और यहाँ भी है। समझ आ गया लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे यार क्या बता रहा है, ये तो कंपोनेंट लेना हमें आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या आता है, उसको क्या करना है तो अपने अंदर वो फील करना ज़रूरी है। क्योंकि जो 4-5 लाइन होंगे पूरी फिजिक्स में, उस पूरे उस 5-5 लाइन पे मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, और मैं इन्जॉय भी करूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें आप लोग में से कुछ बैठे होंगे वो समझ लेंगे इस लैंग्वेज को, तो वो भी इन्जॉय करेंगे। और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, तो आप सिर्फ उतारेंगे और फिर तो वो यूजलेस हो जाएगा। अब उतारना कोई मैटर नहीं करता। तो ये मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का क्या लेना, कंपोनेंट लेना। मैं इस लाइक इस लाइन को बार बार रिपीट भी करता रहूँ कि मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं कंपोनेंट लूँगा, मुझे काफ़ी हैप्पीनेस होगी। अगर तुम ये लेना तुम भी सीख गए तो तुम्हें भी क्या होगा, तो आसान लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोशन पढ़ें, या फिर बता दिया ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी वेक्टर पढ़ रहे होंगे तो यही काम कर रहे होंगे। तो क्या करने बोला कि अभी तो मैं बना दूंगा तीन, तो 2-3 लाइन ही लिखूंगा इसको प्लेन पेपर पे, 1-2 बार घर पे भी आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपके हाथ में पावर आ जाए कि ये लिखने बोला ये। तो ये वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन कितना हमारा, एक एक्सिस के साथ एंगल कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। डायरेक्ट जो है कंपोनेंट ही बता देता हूँ कि कंपोनेंट बच्चा बच्चा देश में जानता है कि क्या होता है, जो वेक्टर है एंगल इधर थीटा बना रहा, तो जिधर एंगल होता उधर कितना होता हमारा, ए कॉस थीटा, और दूसरा इधर भी इसका कुछ शैडो आएगा, प्रोजेक्शन आएगा, कंपोनेंट आएगा, तो जिधर एंगल नहीं होता उधर ए साइन थीटा होता, उधर ए साइन थीटा होता। या इसको यहाँ पे दिखाएं, ए साइन थीटा को यहाँ पे दिखाएं, या पैरेलल ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिखाएं, ए साइन थीटा को यहाँ पे दिखाएं या यहाँ पे दिखाएं, दैट इज इक्विवेलेंट। पैरेलली ट्रांसलेट कर दोगे
या तो आप यहाँ पे शो आउट कर दें डेट इज ए साइन थीटा, दिस लेंथ इज ए साइन थीटा, या यहाँ पे शो करें डेट इज आइडेंटिकल। क्या याद रखना है, जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा और एंगल के सामने साइन थीटा, ये सामने यहाँ पे बोलेंगे और यहाँ बोलेंगे डेट इज इक्वेलेंट। तो आइदर वे में यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, अगर आपको डेरिवेशन में जाना है तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट हमें आते हैं तो वो देख लें आप, बहुत ही आसान है। डेरिवेशन ऑलरेडी आप जानते हो, एक्स कंपोनेंट इसको मान लें, ये ए दिया हुआ है, ए थीटा और ये क्या है, तो एक्स कंपोनेंट ए एक्स नाम दे दें। तो आता कैसे है, तो डाट डब्ल्यू ज्योमेट्री लिखोगे यहाँ ट्राइंगल में, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा ट्राइंगल में ही होता ना, बेस अपॉन एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द बेस दिस इज द हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखेंगे ए एक्स बाई ए, या ए एक्स की वैल्यू कितनी, ए कॉस थीटा। ये हमें जानने की जरूरत है, आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रायंगल में हमें ये कोई लाइक दो साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड हो दो साइड और ये एंगल दिया हुआ, तो आपस में इसको कोरिलेट कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, बार बार हमें ये जरूरत पड़ेगी साइन थीटा कॉस थीटा, ऑलमोस्ट डेली का ये काम होगा, हर एक क्लास में एक से दो तीन बार रिपीट होगा कॉस थीटा साइन थीटा का इन्फॉर्मेशन। तो एक्स कंपोनेंट दैट विल बी ए कॉस थीटा आ गया, जनरल नॉलेज के लिए जिसके साथ एंगल होता है उधर कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, कॉस थीटा कंपोनेंट किधर लेते हैं, जिसके साथ एंगल होता है, तो बोथ वे में रिपीट कर लेंगे, इसको ए बाई मान लें, तो साइन थीटा कितना बताओगे, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो डाट भी ए बाई की वैल्यू, ए बाई की वैल्यू ए साइन थीटा, क्लियर है ये एक्स कंपोनेंट, तो डाट भी जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा, दूसरी तरफ सामने में साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, बाकी जनरल नॉलेज के लिए नोट कर लेंगे आप, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता सुना होगा आपने कि जो कंपोनेंट होता है वेक्टर से बड़ा होता है या छोटा होता है, बराबर होता है या सब होता है, चार ऑप्शन बना दिया ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से छोटा होते हैं या बड़ा होते हैं या बराबर होते हैं या सब कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा या सब कुछ हो सकता है, ऑल थ्री तो पॉसिबल है, क्या बताएंगे आप, अपना सोच बताएंगे, छोटा होता है, छोटा होता है, बड़ा छोटा बराबर या सब कुछ हो सकता है, इक्वल एंड इक्वल इज नॉट स्मॉलर इज द राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप यही टिक आउट करेंगे, ये लिखा रहता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज चार ऑप्शन, इक्वल टू द वेक्टर, लेस देन द वेक्टर, मोर देन द वेक्टर, लेस देन और इक्वल टू द वेक्टर, तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, तो डी नंबर ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा रहेगा, या मल्टीपल चॉइस है कि छोटा बड़ा बराबर और तीन लिख दिया और ए बी बी सी ऐसे करके ऑप्शन बनाते हैं, उसमें क्या होगा, लेस वाला और इक्वल वाला ट्रू होगा, क्लियर बात हो गई। अप्रूव आउट कैसे करते देख लो, इधर कंपोनेंट किसी वेक्टर से छोटा या बराबर हो सकता है, आपने देख लिया एक्स कंपोनेंट कितना, कौन बताएगा, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वेक्टर कौन से ए है और कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वेक्टर ए है, कंप्लीट वेक्टर ए है ना, और कंपोनेंट कौन है, ए कॉस थीटा, वो छोटा या बराबर ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता, वो प्रूव करना, तो कैसे प्रूव करोगे, पैसे यूज करेंगे, इसी ऊपर देखेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, बाउंड्री वैल्यू तो इतना तुम्हें पता होगा कि साइन थीटा की बाउंड्री वैल्यू क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन, पहचान तो याद है ना कि ए साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा को क्या बोलते हैं, बाई कॉम्पोनेंट है, ए साइन थीटा में जाना तो क्या करोगे, यहाँ पे इन सभी को ए से गुना कर दो, गुना करेंगे तो सब जगह करना पड़ता, तब क्या हो गया ये इसको क्या नाम से पुकारेंगे,
यही लिखा हुआ जो हमने अभी बोला, किसी वेक्टर का कंपोनेंट या तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या बड़ा होते हैं या छोटा होते हैं, तो बताया कि या तो इक्वल होंगे या छोटा होंगे, तो यही लिखा हुआ। ये कंपोनेंट है जो कि वेक्टर से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। कंपोनेंट जो है वेक्टर से या तो क्या होगा, तो इक्वल होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर बात हो गई है। बाकी अब जो है तो छोटा हो गया मान लिया कि अच्छी बात है, बट इक्वलिटी का क्या मीनिंग होता? कंपोनेंट वेक्टर के इक्वल होने का क्या मीनिंग है? यस बताएंगे। तो अगर हमारा जो कंपोनेंट है और वेक्टर में अगर ये रिलेशन हो कि अगर वेक्टर हमारे एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कोई वेक्टर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस लॉन्ग है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये वेक्टर भी यही है और इसका एक्स कंपोनेंट भी कितना है, सेम ही है, तो यहाँ पे कंपोनेंट और वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कंपोनेंट और वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी वही है और वेक्टर वही है, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम है। जबकि यही वेक्टर क्या होता, कुछ ऐसा होता, ऐसा कहीं पे होता, तो उसके सिम बोलेंगे जो कंपोनेंट कुछ इधर भी आ जाएंगे, कुछ इधर भी आ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जो कंपोनेंट्स वहाँ पे लेस हो जाएंगे। जबकि वेक्टर या तो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो भी बोलेंगे वेक्टर का कंपोनेंट और वेक्टर बराबर है, या वेक्टर क्या हो जाए वर्टिकल हो जाए तो भी क्या बोलेंगे आप, तो डैट भी कंपोनेंट और वेक्टर क्या होगा हमारे, इक्वल हो गए। अगर ये वेक्टर ऐसे भी हो जाएगा तो भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, पूरा वेक्टर बाई कंपोनेंट के इक्वल ही है, या बाई कंपोनेंट वेक्टर के इक्वल ही है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना बोलेंगे, जीरो नाम देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग आ रहा है, जीरो जो होता है फिजिक्स का हीरो है, जीरो इज़ द हीरो ऑफ फिजिक्स। जब भी आता है ऐसे जीरो आउटकम आता है, जीरो रिजल्ट आ जाता है, तो नोटिस कर लो ये पॉइंट क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है हमें सोल्व करने के लिए। ये पॉइंट हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, यही कुछ बच्चे इन पॉइंट को अप्लाई कर देंगे तो उनको बोलते हैं वो इंटेलिजेंट है, और कुछ लोग इसी पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपके सामने पूरी स्टोरी खोल दी, जीरो इज़ द हीरो ऑफ फिजिक्स। कल भी एक जीरो का एग्जाम्पल दिया था, कुछ याद है, जीरो डिस्प्लेसमेंट या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर का एग्जाम्पल दिया था। तो देखेंगे कितनी बार जो है कि ऑलमोस्ट पूरे फिजिक्स में 60% टाइम हम लोग यही स्टडी करते रहेंगे जीरो के बारे में, 60% है। आगे बार बार डायलॉग आपको सुनाई पड़ेगा, जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स। आपको बोलूँगा कि मैंने वहाँ पर डायलॉग पहली बार दिया था और ये यूज कर रहा हूँ फिर से। तो ये एप्लीकेशन क्या होगा, सवाल में दिया ध्यान सुनोगे, बोले किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को क्या फेंक दिया गया, वर्टिकली अपवर्ड। तो बोले को उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो उतना ही है बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो ये अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे बोलेगा, काफ़ी लोग लेके ही आते हैं क्वेश्चंस के, सर ये क्वेश्चन में तो ऐसा लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंका गया, तो हम टाइम कैसे निकालें? तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहा था कि एक पोजीशन वेक्टर इतना, एक्स पोजीशन बाई पोजीशन, तो जो वर्टिकली फेंका तो वहाँ क्या बोल रहा है वो, एक्स कंपोनेंट जीरो है, तो ये कंडीशन अप्लाई करोगे तभी आंसर लग निकलेगा, अगर नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं निकलेगा। समझ आई बात नहीं है, अप्लाई कर दोगे और उसके बाद कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। क्लियर बात हो गई, जीरो इज़ द हीरो ऑफ फिजिक्स। तो कोई वेक्टर वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, और कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, बोथ वे में यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल जीरो या वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल जीरो। या कंडीशन अप्लाई करना होगा कि तीन चार वेक्टर दिए रहेंगे, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर दिया हुआ, अब बोले कि इनका जो रिजल्टेंट है वाई एक्स के लॉन्ग है, तो क्या कंडीशन बोल रहा है, एक्स के लॉन्ग जीरो कर दो तो तुम्हारा आउटपुट देगा, आंसर दे देगा। बोले तीन, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट वाई एक्स के लॉन्ग है, तो ये बोल रहा है कि तुम्हें हिंट दे रहा है कि एक्स के लॉन्ग जो आउटपुट आ रहा है उसको जीरो से इक्विवेलेंट कर दो, तुम्हारा कहाँ पहुँच जाओगे, तुम आंसर पे पहुँच जाओगे। क्लियर बात हो गई होगी, ताकि हम लोग डिटेल में जाएंगे, बार बार यूज होगा, जीरो इज द हीरो ऑफ फिजिक्स डायलॉग आपको दे दिया गया। अगर ऐसा है तो बोलेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो
और ऐसा है तो क्या बोलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, ऐसा है तो क्या बोलेंगे? कोई भी कंपोनेंट जीरो नहीं, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है इसके पास। क्लियर बात हो गई? तो कंपोनेंट छोटा होता है या क्या होता है हमारे पास? बाकी आप होमवर्क के रूप में ये तो प्रूव कर लोगे कि ए एक्स कंपोनेंट को भी इतना प्रूव कर लेंगे आप, ए एक्स के लिए भी यहाँ से यहाँ तक प्रूव कर लोगे। ये जो है तो अपने आप प्रूव कर सकते, सेल्फ कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना को हिंट दे देता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू भी माइनस वन से वन तक होती है। अब क्या करेंगे आप लोग, जल्दी बता दोगे? कॉस थीटा की वैल्यू साइन, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों ही क्या है, तो जो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है बाउंड्री वैल्यू माइनस वन से वन में होती है। इससे बड़ा कभी जिंदगी में कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू इससे बड़ा लिखा हुआ दिख गया मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ तो गलत लिखा हुआ। कभी क्वेश्चन कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे तो एक लॉजिक बोलते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कभी कैलकुलेशन में तुम्हें वन से बड़ा दिख रहा है तो उस केस में समझो कि तुम्हारा कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, क्योंकि इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। बाकी प्रूव कर लिया लोगों ने, ए से मैग्नीफाई कर लेंगे तो क्या जाएगा, तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में आ जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं डायलॉग में, कंपोनेंट वेक्टर से या तो इक्वल होंगे या छोटा होंगे, बड़ा कभी भी नहीं हो सकते हैं, बड़ा कभी भी नहीं हो सकते। तो कंपोनेंट लेना आपने सीख लिया, और तो जल्दी से एक दो कंपोनेंट ले लें। बाकी जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछूं कि मैंने एक वेक्टर दिखाया था ना आपको, और उसमें दिखाया कि मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेकआउट किया था। मान लीजिए ये वेक्टर है और इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमने दिखाया, ये वेक्टर ए है और इधर एक्स कंपोनेंट और इधर वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, वेक्टर का कंपोनेंट सिर्फ एक्स एंड वाई में या वाई जेड या एक्स जेड ऐसी डायरेक्शन में लिए जा सकते हैं या फिर किसी और डायरेक्शन में भी लिए जा सकते हैं। कंपोनेंट लेने के लिए दो दो कंपोनेंट में ब्रेकआउट करने के लिए तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कोई वेक्टर है तो उसके ये जैसे ये एक्स वाई प्लेन में इसके कंपोनेंट एक्स वाई में ही तोड़ सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में भी तोड़ा जा सकता है, एक्स वाई में ही तोड़ सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। क्या कंडीशन होता है कंपोनेंट लेने के लिए, कंपोनेंट लेने के लिए क्या कंडीशन होते हैं, ध्यान सुनोगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जैसे आप न्यूटन सर्कुलर मोशन या कहीं और पढ़ते हो तब तुम्हें लगता है ये क्या करता है, कभी इधर कंपोनेंट ले लेता है कभी उधर ले लेता है, कोई नियम है या फिर ऐसे। तो नियम क्या है वो सीख लें, कंपोनेंट किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जा सकता है, कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू डायरेक्शन, गलत है, कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज द ट्रू, कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिए जा सकते हैं। आप देख लोगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो एक्स वाई हो सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं, जो वेक्टर ए है उसका जो कंपोनेंट है आपका डैट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो ऐसा भी हो सकता है, डैट कैन बी टेकन लाइक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर है हमारा ए वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट, अभी तो हमने ऐसा लिया था, अब दूसरा तो ऐसे भी ले सकते हैं क्या, तो ले सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये वेक्टर हमारा ऐसा है ठीक है ये, तो इसका दूसरे एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ऐसा खींच लिया तो ये दो डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो, ये हमारा वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में है ना, ये वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में है, ये वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, क्लियर है ये, तब क्या बोलेंगे इसके बारे में, जब इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट लोगे इस ये और इसके अलोंग लोगे, इसके अलोंग लोगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है इधर पूरा का पूरा इधर ही है, इधर इसका कंपोनेंट कितना है, और ऐसा भी ले सकते हैं हमारे अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार से हम लोग ऐसा भी यूज करेंगे आगे चलकर। ये जब यूज करना शुरू करोगे तब तुम समझोगे अपने तो लेवल में जा रहे हो, प्रिपरेशन के लेवल में जा रहे हो, समझ आई बात नहीं है। बाकी कंपोनेंट गली मोहल्ले हर एक आदमी जान चुका, ये कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है, अगर तुम ये बेसिक समझ में आ गया कि कंपोनेंट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, उसके अलावा तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप ऐसा मैंने चूज किया तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, तो बोले कि मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या, तो वो ले सकता है, ये कोई एक डायरेक्शन ऐसा ले लिया और इसके परपेंडिकुलर, ये वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ये
एक हमने ये लिए, इसका इधर एक कंपोनेंट ले लिया और इसका कंपोनेंट एक इधर लेंगे, इधर लेंगे, समझ आ गई बात। बस ये क्या रिक्वायरमेंट है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ब्रेक कर सकता है। क्लियर बात हो गई। बाकी इसमें और एक दो पॉइंट है तो वो जिस चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर बताएंगे कि आप कुछ पूछ सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हो कि सर मैं कौन से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करूँगा, कौन सा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज करूँगा। तो जैसे यहाँ पे अभी वेक्टर पढ़ रहा है ना तो आपको समझ में आता है ना कि x और y में लेने बोलता है, किस में लेने बोलता है, यूजुअली हम लोग x और y में लेके काम करते रहते हैं। तो ऐसे दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे दो डायरेक्शन कौन सा चूज करोगे, कौन सा दो डायरेक्शन हम लोग चूज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिक पॉइंट ये होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा डैट विल बी वन डायरेक्शन और दूसरा कौन सा होगा उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन कौन सा चूज करेंगे चैप्टर्स में जाकर के, एक वो डायरेक्शन जिधर मोशन हो रहा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, तो ये दो डायरेक्शन चूज करेंगे। क्लियर बात हो गई। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें समझने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप छोड़ के बढ़ जाएंगे उसको या फिर उसको रिटेन करना चाहेंगे। जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है वही आपके लिए काम का पॉइंट है। जो सीधा सीधे जो हमने बोला कि एंगल जिसके साथ है कॉस थीटा ले लो, दूसरी तरफ साइन थीटा ले लो, मोस्टली लोगों को याद होगा, जो नहीं याद भूलवा गए होंगे तो याद आ गया होगा, समझ आई बात। तो मोस्टली टाइम के आप नींद में भी होंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा तोड़ देगा आदमी, जबकि कुछ जो अदर पॉइंट बताया जा रहा है कि हम कहाँ पर तोड़ते हैं और क्यों तोड़ते हैं और कैसे तोड़ते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन है वही एक डायरेक्शन चूज किया जाता है, दूसरा कौन सा होता है हमारा उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेते हैं, तो ऐसा अजूम करना पड़ता खुद ही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हुआ, काम का पॉइंट है जो आगे हमें जरूरत पड़ेगी और आपका जो है जो थाउट ब्रॉडन होगा और क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको आगे चलकर। हाँ हाँ जी, ऐसा आपने सुना होगा बेटा कि बचपन में आपने कहा करा होता या पार्क में चले जाओ तो ऐसे इनक्लाइन प्लेन बना होता है, इनक्लाइन प्लेन बच्चे बना होता है, जो भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चे को लेके गया वहाँ पे ऐसे पार्क में जाकर के वो स्लाइडर पे बैठा देता, क्या कर देता है बच्चे को ऐसे बैठा देता, क्या इसके बाद होता स्लाइड कर जाता, स्लाइड कर देता नीचे आ जाता, वो बच्चा काफ़ी हैप्पी होता है, फिर से बोलता पापा फिर से चढ़ाओ, फिर से चढ़ा दिए गए, फिर से क्या वो हैप्पी हो जाता है, समझ आई बात नहीं। तो आपको जब क्वेश्चन रहेगा तो पता चल जाएगा कि एक डायरेक्शन कौन सा हुआ, तो इनक्लाइन प्लेन पर डिसीजन करना होगा तो एक मोशन तो यही एक डायरेक्शन हो गया, दैट इज वन डायरेक्शन, अब दूसरा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में हमें तो वहाँ पे तो क्लैरिटी होती जाएगी। बाकी कंपोनेंट जल्दी से ब्रेक कर ले, जिंदगी में पहली बार अगर इनक्लाइन प्लेन आया तो ये इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट मास एम का रखा हुआ है, इसका वेट कितना एक्ट करेगा एम जी, इनका कंपोनेंट लेना देख लोगे आराम से, तो एक बार डिजाइन कर लें पहले इतना आप, आगे जब न्यूटन पढ़ेंगे तो ये जस्ट कॉमन सा केस हो जाएगा कि न्यूटन फ्रिक्शन में जाकर के या सर्कुलर मोशन वर्क पावर में जाकर के एटलीस्ट 5 बार डेली बनाना ही होगा। बाकी यहाँ पे तो एक बार आप बना लें क्योंकि यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा उसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो बाकी एक बार देख लें। वैसे वेट वर्टिकली डाउन में बॉड काम कर रहा है एम जी, दो कंपोनेंट का डायरेक्शन कौन सा चूज करने बोला गया, एक तो ये प्लेन के पैरेलल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये कितना ये थीटा जो वर्टिकल है ये 90, ये थीटा ये 90, तो ये कितना एंगल 90 माइनस थीटा, ये ज्योमेट्री इतनी है तो मेंटेन करेंगे आप, ये थीटा 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब देख रहे हो कि ये मैंने क्या बोला कि ये जो होता था क्या था, इस पर परपेंडिकुलर होता, ये कंप्लीट एंगल कितना था हमारा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो थीटा निकल के आ जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। अब बच्चा बच्चा बोल रहा है कि देखो ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर हमारा ये है, ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इधर लेना है और इधर लेना है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके साथ एंगल है ना,
जिसके साथ एंगल है क्या कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, और दूसरी डायरेक्शन कौन सा बचा, ये बचा तो उधर कितना हो जाएगा, तो ऐसा यूज कर लेंगे। कंपोनेंट फोड़ लिया एम जी, एम जी का कंपोनेंट एम जी, कॉस थीटा इधर आ जाएगा एम जी, साइन थीटा इधर आ जाएगा। बाकी फिलहाल हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी जो होशियार लोग हैं तो क्या करेंगे आप, ये इधर नेट फोर्स कितना आ गया एम जी साइन थीटा, पता होगा मास फोर्स को मास से डिवाइड कर ले, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो जी साइन थीटा आ जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे डाउन द प्लेन है, एक्सेलरेशन कितना हो जाता हमारा, तो जी साइन थीटा हो जाता। बाकी जब मोशन पढ़ेंगे तो फिर से ये आएगा, बाकी फिलहाल यहाँ पे कंपोनेंट लेना दिखा दिया गया। बाकी बताया कि न्यूटन लॉ में जाएंगे तो हमारा रूटीन बन जाएगा कि पांच बार ये डायग्राम तो बनेगा एटलीस्ट, डेली की क्लास में पांच बार ये डायग्राम आएगा। बाकी यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर कुछ लिखना चाहते हैं ज़रूरत है इसकी आगे चल करके, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो चाहते हैं कि नहीं हमें एकदम वेक्टरी पढ़ना है बस। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जी साइन हो जाएगी। फिलहाल हमने कंपोनेंट तोड़ दिया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्लियर है ये कंपोनेंट, याद हो गया होगा लोगों को। खुद ही आप लोग एक बार बोलें कि एंगल जिधर होता है वो क्या लेते हैं उधर, कॉस थीटा, थोड़ा तेज बोलेंगे। फिजिक्स बहुत ही आसान है, अगर आप जितने इतने लोग बैठे हुए हैं अगर पूरी एनर्जी लगा देंगे तो फिजिक्स में कुछ रहा ही नहीं। जितनी एनर्जी आप लोगों के कंबाइंड एनर्जी है अगर उसको यूटिलाइज कर लेंगे तो फिजिक्स में कुछ रहा ही नहीं फिर। तो ये दिया हुआ, जल्दी से ब्रेकआउट कर लो कंपोनेंट, दैट इज तो 60 न्यूटन। बाकी एक वैल्यू नोट कर लें, जिनको नहीं पता तो ऐसे नोट कर लेंगे क्या, तो 37 और 53 की वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी 30 और 60 और 45 मान लीजिए आपको याद है, ये जो 37 एंड 53, तो साइन में और कॉस में और टेन में, साइन कॉस एंड टेन, ये हमें अज्यूम किया जाता है कि आपको याद है। साइन 37 देख लेगा यहाँ पे, साइन 37 डैट विल बी 3/5, और साइन 53, और कॉस के लिए तो वाइस वर्सा कर देंगे, कॉस 37 और डैट विल 3/5, और टेन में तो डैट विल ये 1 से छोटी होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो 10/37 भी 3/4 और डैट भी 4/3। तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको याद है, नहीं याद हो तो आप मेंटेन कर लेंगे। थर्टी सेवन 53 अज्यूम किया जाता है, ये ट्रायंगल हमें पढ़ना है। तो ये दिया हुआ क्या, 60 न्यूटन का एक वेक्टर है 37 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ, इसके एक्स कंपोनेंट बताना है और वाई कंपोनेंट बताना है, इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सब लोग फोड़ेगा, सब लोग फोड़ेगा। 60 का एक्स कंपोनेंट 60 कॉस 60 इंटू कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी 4/5, वेरी गुड। कितना एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 48, वाई कंपोनेंट 60 का, तो 60 इंटू साइन 37 3/5 कितना 36 आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अपने आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी जनरल नॉलेज के लिए सुन लेंगे कि क्या अगर कंपोनेंट को अब लिखना होगा, ध्यान सुनोगे, ये ओरिजिन होता है आपको याद होगा, कल बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इधर एक्स कंपोनेंट आ गया बाई कंपोनेंट आ गया, तो बोलते हैं अगर कंपोनेंट इसमें होगा इधर और इधर होगा तो प्लस प्लस लेते हैं, और कंपोनेंट इधर और इधर होगा इसको माइनस और इसको प्लस, और तीसरे में होगा दोनों माइनस और चौथे में होगा एक्स प्लस और वाई माइनस, तो ऐसा जूम करेंगे तो यहाँ दोनों कंपोनेंट क्या आ गए हमारे प्लस प्लस आ गए, क्लियर बात हो गई। तो जस्ट अब एक वेक्टर ही दिया हुआ था, बाकी अब जो है तो दो वेक्टर दे करके बता रहा हूँ, जल्दी से वन बाई वन बता देगा, जल्दी से बताएगा इसके बारे में। ये दिया हुआ कि 100 न्यूटन एंड दिस इज तो 53 डिग्री, जल्दी से एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बता दो, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा ये भी बता दोगे। एक बाई एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, गुड। एक्स कंपोनेंट माइनस में कितना आ रहा है, -60, वेरी गुड। एक्स कंपोनेंट माइनस में 60, 100 इंटू कॉस 53, कॉस 53 3/5, कॉस 53 3/5 डैट विल गिव यू 60, बाई कंपोनेंट 100 इंटू 4/5 डैट विल गिव यू 80, क्लियर है ये। कंपोनेंट फोड़ लिया,
अब दोनों को तो लाइक मिक्स करके एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चले फिर फिलहाल ऐसा करें आप, ये ऐसा एक दिया था, ये कैसा दिया था? पहला वेक्टर कितना था? 60 लिखा था पहली बार में, ये दिया था ना 60, और कितना था ये एंगल? और ये कितना दिया हमने? 53। और ये कितना दिया था? मान ले, देखो देखोगे इधर ओ ए दे दिया नाम, और ये ओ बी नाम दे दिया, बोल दिया आपसे कि ओ ए प्लस ओ बी निकालो। मतलब ये दो वेक्टर्स को इसको क्या बोलते हैं? जोड़ने को ही बोलते हैं। दो वेक्टर, एक ओ ए है दूसरा ओ बी है, एक वेक्टर ओ ए दूसरा वेक्टर ओ बी। ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू निकालना, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर को ऐड करके बताना आपसे। देखो ध्यान सुनो कि कैसे जोड़ते हैं, दो होंगे तीन होंगे, जैसे एक था ना तो क्या क्या उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाला, ठीक है। अब दो हैं, दोनों को लाइक एडिशन पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, या ऐड करने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट लेना। ऐड करने को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट लेना। तो रिजल्टेंट निकालने को बोल रहा है, तो करते क्या ध्यान सुनोगे, पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला और वाई निकाला, और दूसरे का भी क्या निकाला। अब क्या करेंगे, पहले का एक्स और दूसरे का एक्स जोड़ के एक साथ लिख देंगे, तो टोटल एक्स कंपोनेंट हो गया इसका, और पहले का भाई और दूसरे का भाई को क्लब कर देंगे, तो इनका क्या हो गया? भाई आ गया। क्या आ गया? भाई कंपोनेंट आ गया। क्लियर बात हो गई? तो इन दोनों का तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, याद है आपको, अभी भी निकाला था। ये कितना था हमारा? तो ये 48 था, और ये कितना था? ओके, ये ऑलरेडी निकाल रखा है आपने 60 का, इधर कंपोनेंट 60 का 37 48, और इधर कितना? तो डाट भी 36 ऑलरेडी निकाल रखा है। वो ऊपर वाला जो ये वाला वेक्टर है, इसका बस इतना ही कंपोनेंट में फोड़ दिया तो खत्म होगी बात। अब ऐसे इसका निकाल रखा है, कितना बताएंगे जल्दी से आप लोग? इधर कितना आ चुका था? तो डाट भी -60, और इधर +80। अब इन दोनों की जरूरत नहीं, कंपोनेंट में फोड़ दिया तो ये इनकी ज़रूरत रही नहीं, ये इसके बराबर हो गया। क्या बता देंगे? ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस प्लस हैं, कितना आ जाएगा टोटल? ऐड कर लोगे 116, और ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, कितना? माइनस, तो -12। जो ये वेक्टर है हमारा ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर है, उनकी जो वैल्यू आएगी कितनी? हाँ जी, तो डेट में 116, जो वाई कंपोनेंट 116 हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट -12 हो जाएगा। समझ आ गया लोगों को? ओ ए एंड ओ बी का रिजल्टेंट ऐसा निकल के आ जाएगा। रिजल्टेंट दो चीज़ों को जोड़ने को रिजल्टेंट बोलते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करने को रिजल्टेंट बोलते हैं। इतना भी क्वेश्चन दिया था, ओ ए प्लस ओ बी बताओ, ओ ए प्लस ओ बी बताएं। दो वेक्टर रहेगा, तीन वेक्टर रहेगा, तो क्या करेंगे? और ये जो है बहुत बड़ा नियम बताने जा रहा हूँ इस पर। दो वेक्टर तीन वेक्टर रहेंगे तो क्या करेंगे? एक मेथड आता है, इसके और भी नियम बताएंगे आपको, बट फिलहाल एक मेथड तो आपके सामने आ गया कि क्या करते हैं हम लोग। तो सभी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्लब कर लेते हैं, सभी वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्लब कर लेते हैं, और फिर सारे एक्स को एक साथ तो यूज करेंगे, और सारे वाई को एक साथ यूज करेंगे, तो जो आउटपुट निकालना वो निकल के आ जाएगा हमारा। एक बात तो क्लियर होगी, देखोगे सुनोगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे तुम क्वेश्चंस करना शुरू करोगे अभी कर रहे हो या अभी भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग जो वेक्टर में पढ़ रहे हैं वही डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं जा करके। तो कुछ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वाले यहाँ दिए रहेंगे या यहाँ वाले वहाँ पे यूज करेंगे, तो सेम क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता। देखोगे सेम क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ होगा, एक कार है, एक कार जो है क्या करती है तो 60 मीटर जाती है, 60 मीटर जाती है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देन कार मूव्स 100 मीटर 53 डिग्री
वेस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, समझ आ गया। इसी इंफॉर्मेशन को लैंग्वेज में ऐसे लिख देगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो ऐसे तुम डिजाइन करोगे, पहले एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, इनका कंपोनेंट, इनका कंपोनेंट, इनका इनका, सारे का एक्स कंपोनेंट जोड़ा और सारे का वाई जोड़ा, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। क्लियर बात हो गई? ओवरऑल एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना सीख लिया आपने। किसी को भी दिक्कत है, बोला जा रहा है दो वेक्टर हैं, कंपोनेंट तो इंडिविजुअली तोड़ दिया गया था, अब जो है तो कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट को क्लब कर दे रहा हूँ, वाई कंपोनेंट को क्लब कर दे रहा हूँ, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। पहले के लिए एक्स कितना आया था, पहले के लिए एक्स कितना था, 80 और 60 या उल्टा बताओगे? पहले के लिए एक्स देख के बताएंगे आप लोग। गुड, 48 और पहले के लिए, तो पहला वेक्टर के लिए, फर्स्ट वेक्टर के लिए, ओ ए वेक्टर के लिए कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, और ओ बी वेक्टर के लिए माइनस 60। अब दोनों को ओवरऑल जोड़ोगे, ओवरऑल जोड़ेंगे कितना मिल जा रहा हमारा, माइनस 12, एक्स कंपोनेंट माइनस 12 और वाई कंपोनेंट 116। अच्छा, अभी पूरी ज़िंदगी में एक्स और वाई आ गए तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, एडिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। वेक्टर वाइज तो मैं इतना समझ में आता हूँ, कल ही बताया गया था कि एक्स कंपोनेंट के साथ क्या लिख देते हम लोग, और वाई कंपोनेंट के साथ वेक्टर में एक्सप्रेस करना होगा तो ऐसे लिख दोगे। और जब भी आई और जे में रहेगा तो आई और जे आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वेक्टर ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ, डायरेक्शन भी लिखा हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ऐसा कर लोगे, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस, समझ आ गया। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे याद होगा ना कि वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं ना, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। या तुमने सुना होगा नैंड गेट और नॉर गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, ऐसा डायलॉग सुना नहीं सुना कभी? तो वैसे जो है ये जो है ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनका एडिशन निकालो, या ऐसे लिखा है एक कार इधर जाती है फिर इधर जाती है फिर इधर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ, तो उन सभी का कौन सा है, यूनिवर्सल मेथड है। कुछ और छोटे मेथड होंगे वो भी आपको बताया जाएगा, बट ये क्या है, डेफिनेटली इसमें थोड़े टाइम लग सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट क्लब करने में। अभी दो ही स्टेप थे, मे बी तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप दे दिया, तो वहाँ पे ऐसे कंपोनेंट लिख करके जोड़ने और इतना करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आंसर की निकलने की गारंटी होगी। तो ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो दो वेक्टर दिए रहेगा तो ओवरऑल उनका समेशन निकाल सकते हैं, उसी को लैंग्वेज में लिख देगा कि पहला स्टेप ऐसा रहा, दूसरा स्टेप ऐसा रहा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर बात हो गई होगी? जब भी ऐसा आ जाएगा एक सेंड वाई कंपोनेंट ब्रेक हो गया सिस्टम, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक ही मंत्र आता, पाइथागोरस। पाइथागोरस मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी ये ब्रेकआउट हो गया एक्स वाई या वाई जेड और एक्स जेड में, तो हम जानते हैं कि एक्स वाई में एंगल कितना होता है, 90 होता है, ऑर्थोगोनल होते हैं एक्स एंड वाई, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे तुम कर लोगे 116 का स्क्वायर प्लस, तो 12 का स्क्वायर अराउंड जो है तो 117 के 118 के आसपास आ जाएगा ये। ओके, आगे मूव करेंगे, अप्रोक्सीमेट 117 के आसपास ही आएंगे कुछ वैल्यूज, बाकी कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, इनका स्क्वायर ही करना है। तो तीन स्टेप, चार स्टेप्स भी रहेंगे यहाँ पे जो, तो डायलॉग है कंपोनेंट में। चले तो कुछ और कंपोनेंट आप ले लें, जो एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जो कि लोगों को दिक्कत आती है, बट कुछ और कंपोनेंट फटाफट निकाल लें और बता देंगे कि क्या आ रहा है। ये कितना था, 45 डिग्री, 30 डिग्री ओवरऑल जो, तो वेक्टर हमारे पास तो कितना, तो ओ पी, ओ क्यू, दिस इज 20√2, एंड दिस इज द
हाँ 30 डिग्री इधर है, 30 न्यूटन ही ले लें आप। चलें 30√3 लिख लें, बेटर रहेगा आपको थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। इसका मैं जो 30√3 है और उसका कितना 20√2 है। ओपी का एक्स और वाई कंपोनेंट बता दोगे? ओपी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ओपी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ओपी का कौन बताया? अरे 20 कॉस 37 सॉरी 20 कॉस 45, कॉस 45 1/√2 तो 20 आ जाएगा, तो -20 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ -20 और इसका जो इधर 20√2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है तो वो कितना आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, प्लस में आएगा ये, वो प्लस में आएगा। आराम से लें, कौन बोलना चाहेगा? इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कॉस में आएगा 20√2 कॉस 45 को वैल्यू 1/√2, तो 20√2 × 1/√2 से तो रूट टू मार जाएगा, तो 20 वैल्यू मैग्नीट्यूड में आ जाएगी। डायरेक्शन यूज करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे -20 चूँकि ओरिजिन के लेफ्ट है, और इसका इधर कंपोनेंट तो साइन में आएगा 20√2 sin 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो कितना आ जाएगा, तो +20 आ जाएगा यहाँ पे। डैट विल बी -20 + 20, और इसके लिए इसके बारे में कौन बताएगा? 30√3 इधर कंपोनेंट कौन बोलेगा, इधर कॉस आएगा साइन आएगा, कॉस आएगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 30√3 × √3/2 कॉस 30 की वैल्यू कटपट लगाएंगे 45, माइनस में या प्लस में, एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट में वेक्टर है कितना 30√3 × √3/2 डैट विल 45 आ जाएगा, माइनस में आएगा वाई कंपोनेंट है तो ये -45 आ जाएगा। हाँ उधर भी माइनस आएगा, उधर कौन सा कंपोनेंट 30√3 cos 30 1/2 तो डैट विल बी -15√3। क्लियर है ये? कंपोनेंट दो रहेंगे तो तोड़ दोगे, अगर आपको एक के तोड़ देना आसान लगता है तो आगे अपने आपको तो मोटिवेट करेंगे, हम दो तोड़ देने लेने में कंफर्टेबल करते हैं, दो वेक्टर जहाँ पे दे रहेंगे तो कंपोनेंट ब्रेकआउट कर दोगे। अब सवाल पूरा देखेंगे, अब अगर जो ओपी एंड ओक्यू वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिख लोगे, कौन बताएगा? ये बाई कंपोनेंट कितना हो गया, बाई कंपोनेंट कितना हो गया 20 और ये -25 बाई कंपोनेंट -25 ना, और एक्स कंपोनेंट इन दोनों को मैग्नीफाई कर लोगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट तो समझ आ गया होगा कितने इतने वैल्यू जा रहा है, अब जोड़ने में तो जोड़ने डेफिनेटली आप कर लोगे, ये एक्स कंपोनेंट ये -25 आ गया और ये कंपोनेंट के लिए तो -20 है और 15 × तो √3 है, √3 इज नथिंग बट 1.7, कितना आई है 1.7, वो मल्टीप्लाई कर लोगे तो अराउंड 24 के आसपास आ जाएंगे, डैट व्यू 24 के आसपास आ जाएंगे, या उसमें भी काम कर सकते हो आप, ये तो डैट व्यू -20 और -24 तो डैट विल बी माइनस अप्रॉक्सीमेटली इतना ले सकते हैं, 44.5 आ रहा तो उतना ही कर लें। इसके साथ क्या लिखने बोला, आई कैप और इसके साथ तो जे कैप, तो वेक्टर कंप्लीट बन जाएगा, दो स्टेप वाले वेक्टर तोड़ दोगे तुम, अगर दो वेक्टर दिए तो तोड़ लेंगे आप, दो वेक्टर दिया तोड़ लेंगे आप, क्वेश्चन अब शुरू होता है।
दो वेक्टर अगर आप तोड़ लिया, यही क्वेश्चन है अब तो शुरू होता है। ये सवाल था, आपने इतना तक कंपोनेंट ब्रेकआउट कर लिया। वंस मोर एक बार देख लेते जिनको अगर दिक्कत हो रही है। एक वेक्टर ओपी है, इसका कंपोनेंट इधर कॉस 45, इधर साइन 45, इधर 20, इधर 20 चूंकि ऊपर है तो प्लस में, इधर माइनस में, और ये 30√3 है। इधर कॉस कंपोनेंट √3/2 से मैग्नीफाई करके तो माइनस, तो वैल्यू माइनस 45 नीचे आ जा रही है, और इधर जो है तो साइन 30 1/2, तो डेट मीन तो माइनस, तो 15√3 आ जा रही है। ये कंपोनेंट फिर ब्रेकआउट कर दिया, एक्स कंपोनेंट को क्लब कर दिया। एक्स कंपोनेंट हमारे कौन कौन है, तो इधर ही दोनों आ रहे हैं, तो एक्स कंपोनेंट दोनों माइनस में आ रहे हैं, और वाई कंपोनेंट एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो क्लब कर लिया। तो वैल्यू इतनी -25, और इसकी वैल्यू -44.5 टोटल आ चुकी है। क्लियर बात हो गई। क्वेश्चन अब शुरू होता है। ये एक्स और वाई कंपोनेंट इंडिविजुअली निकाल लिया था। क्वेश्चन अब शुरू होता, ध्यान सुनोगे, ये बोला इतना लिखा हुआ ओपी एंड ओक्यू, इतना तो याद हो गया सब लोग को। कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, उसका उधर 20 आता, 20 आता है इसका इधर, तो डायरेक्टली नीचे 45 आता, और उधर तो 15√3 आता, और एक्स एक्स को जोड़कर वाई वाई को जोड़कर जो भी, तो छोटे मोटे काम पूछे जाएगा तो मैनेज कर लोगे। और उधर डायलॉग भी बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल तुम करोगे, काफ़ी लेके किताबों के पहला एग्जाम्पल यही रहता। एक मैन जो है तो 20 मीटर नॉर्थ गया, 20 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया, फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, फिर 20√2 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट चला गया, तो फिर क्या बताया मैन का डिस्प्लेसमेंट बताएं, क्या बताएं, तो उसका यही सोल्यूशन है। हर एक का स्टेप का क्या ले ले, एक्स कंपोनेंट और हर एक का वाई कंपोनेंट, एक्स को क्लब कर दे, वाई को क्लब कर दे, और अगर मैग्नीट्यूड में आंसर दिया हुआ तो √x² + y² करके आंसर टिक आउट कर लो। और अगर जो है तो सिर्फ वेक्टर वाइज दिया हुआ, तो वेक्टर में एक्स वाले में आई कैप लिख दे और वाई वाले में जे कैप लिख दे। क्लियर हो गया होगा ये। अब सवाल यहाँ पे शुरू होता है, इसमें अब लिखा रहा, ध्यान सुनोगे कि ये क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड वेक्टर टू बी एडेड, सच डैट रिजल्टेंट इज अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस। देखो आप सबको क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन वही है, ये कंपोनेंट लेके याद कर लिया होगा आपने, इसका इधर 20, इसका 20, इसका इतना ऐसा हो गया। अब सवाल यहाँ शुरू होता, ये कुछ इतना दिया हुआ, अब बोला कि ये जो ओपी एंड ओक्यू वेक्टर है इसमें क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें ताकि रिजल्टेंट कहाँ हो जाए हमारा, एक्स एक्सिस अलॉन्ग हो जाए, तो क्या करने बोल रहा है, क्या करने को इन्वाइट कर रहा तुम्हें, बाई कंपोनेंट को जीरो कर दो, बाई के डायरेक्शन वाले को क्या कर दें जीरो कर दें, हाँ या नहीं। बाई डायरेक्शन में अभी तक कितना आया था, -25, उसको जीरो करना, तो क्या करोगे, उतना ही +25 ऊपर लिख देंगे, तो +25 ऊपर की तरफ, मतलब क्या को +25 जे कैप इतना ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, समझ आ गया होगा। बोला गया सवाल पूरा ये था कि ऐसा ऐसा वेक्टर दिया हुआ है और बताएं कि कितना इस सिस्टम में ओपी एंड ओक्यू के समेशन में और क्या ऐड करें ताकि रिजल्टेंट कहाँ आ जाए, एक्स में, रिजल्टेंट एक्स में आ जाए, मतलब बाई कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, तो हमारा बाई कंपोनेंट पहले क्या था, -25, उसको नलीफाई करना, -25 मतलब साउथ में था, हम क्या करें, एक ऐसा वेक्टर लें जो कि +25 हो, ऐसा वेक्टर हो जो 25 मैग्नीट्यूड का हो और साउथ नॉर्थ में हो, तो क्या कर देगा उसको, तो ये नलीफाई हो जाएगा, तो बचेगा रिजल्टेंट अब किधर हमारा, एक्स में आ जाएगा, ख़त्म होगी बात। तो ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, जो ये वेक्टर था इसके बारे में आप समझ लेकर आपके आ चुके थे इन्फॉर्मेशन कि ये वेक्टर कितना, -45 आई कैप एंड -25 जे कैप ऐसा था। इसमें बोला कि और कितना ऐड कर दें ताकि रिजल्टेंट क्या हो जाए हमारा, तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाए, तो बाई कंपोनेंट को क्या करना, हमें नलीफाई करना था, हमारा ऐसा आ रहा था ऑलरेडी, बाई कंपोनेंट ये आ रहा था, इसको कितना ऐड कर देंगे यहाँ पे ताकि ये ख़त्म ही हो जाए, इसमें और कितना ऐड कर दें, तो अपनी तरफ से तो यूटिलाइज कर लेंगे क्या, तो डैट भी 25 जे कैप हमने ऐड कर दिया, तो डैट भी अब ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये क्या जाएगा हमारे रिजल्टेंट एक्स में आ जाएगा, चार ऑप्शन में ये दिए रहेंगे टिक आउट कर लेंगे, समझ आ गया लोगों को।
डेफिनेटली बाकी थोड़ा बहुत तो काम कर लोगे तो मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमें तोड़ने के लिए रहेगा तो उतना तोड़ दोगे आप। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। घर पे जाके एक काम करने के लिए बोला बेटा कि क्या कर लोगे तुम जा करके, ये वेक्टर है, ये ऐसा है, ये अपने प्लेन पेपर लोगे एक बार कर लोगे। तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा हम क्यों करेंगे, बता दिया कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। मैं बार बार बोलता रहूँ कि बेटा देखो तुम कंपोनेंट में फंस गए और मैं कंपोनेंट ले लिया, हमारे आंसर आ चुके हैं भाई, ये डायलॉग चलता रहेगा। तो घर पे जाके ये काम कर लेंगे कि कंपोनेंट इतना कॉस्ट थीटा और इधर कितना हो गया हमारा साइन थीटा हो गया, फिनिश। एक कंपोनेंट का इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आगे लिख लेंगे, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को फॉर्म करना, तो अब क्या दिया रहेगा हमें, फॉर्म करना, बनाना। तो बनाने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को क्लब कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा। तो वेक्टर का फॉर्मेशन के लिए ध्यान दोगे, ये जो पहले कंपोनेंट फोड़ा था उसी को बोलते हैं कि रिवर्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब उसी का रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी एक्स कंपोनेंट दिया रहेगा और वाई कंपोनेंट दिया रहेगा, ऑलरेडी एक्स कंपोनेंट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा। अब बोले वेक्टर, इसका वेक्टर क्रिएट करो, इसका क्या क्रिएट करें आप, तो वेक्टर क्रिएट करो, ये वेक्टर ए है, तो बस इतना ही लिख दोगे तुम। ये एक्स कंपोनेंट दिया है और क्या दिया हुआ, ये दोनों चीज़ दी हुई हैं, निकालने को क्या बोला जा रहा है, वेक्टर निकालो। वेक्टर निकालो मतलब क्या क्या निकालो, मैग्नीट्यूड भी निकालो, डायरेक्शन भी निकालो और वेक्टर भी बताओ। मैग्नीट्यूड अलग से बताएंगे, डायरेक्शन अलग से बताएंगे और वेक्टर के फॉर्म में अलग से एक्सप्रेस करेंगे। तो चार इन्फॉर्मेशन ही आएगा यहाँ पे। दिया हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट दिया हुआ और करना क्या है, वेक्टर बनाना है। बनाने के लिए करेंगे क्या, ऊपर एक बार सुन लोगे, एक्स कंपोनेंट में आई कैप कनेक्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन लिख दिया, और वाई कंपोनेंट में बोलेंगे हमारा वेक्टर क्रिएट होगा। एक्स कंपोनेंट में आई कैप और वाई कंपोनेंट में जे कैप लगा दिया, ये क्या हो गया, वेक्टर इन प्लेन बन गया। बोथ वे में यूज करेंगे, अगर पूरे फिजिक्स में कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो उसको सेपरेट करोगे, बोलोगे आई कैप के साथ जो लिखा हुआ एक्स कंपोनेंट है और जे कैप के साथ जो लिखा हुआ वाई कंपोनेंट है, तो ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो ऐसे सेपरेट करोगे, क्योंकि जहाँ भी वेक्टर पढ़ रहोगे तो 50% क्वेश्चन में इस लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो वहाँ से तुम सेपरेट करके स्टार्ट करोगे। और कुछ क्वेश्चन में उल्टा एक्स कंपोनेंट इतना और वाई कंपोनेंट इतना, इस फॉर्म में तुम्हें लिखने को इनवाइट करेंगे, तो तुम ऐसे लिख के प्रोसीड करो, क्लियर हो गया वो लोगों को। तो वेक्टर इन प्लेन ऐसे फॉर्मेशन करना बोलते हैं। अब जो है तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई तो कितना निकालोगे, ए, तो आइदर वे में तो यहाँ तो या तो कल मैग्नीट्यूड लेना सिखाया था, वहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या फिर तो आज जो हमने तो पाइथागोरस कर लें, बोले ये ए एक्स और ए वाई है, ये ट्राइंगल पूरा कर लें और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पाइथागोरस से निकालो बोथ वे में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ऊपर में पहले जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखा, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे लिखा, ये वेक्टर बनाना बोलते हैं और ये वेक्टर का क्या निकालना बोलते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना बोलते हैं, और ये वाला जो है तो वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए। दिया हुआ था एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये लिखने को वेक्टर बनाना बोलते हैं, इसको निकालने को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। और अब जो ये वेक्टर जो उजला वाला जो वेक्टर दिख रहा है डायग्राम में, तो वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा, हाँ जी, हाँ बेटा रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट बोले जो समेसन जो ये दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट ये हो गया, ऐसा बोले आप, या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले। थीटा एंगल नहीं, वेक्टर नहीं ना, ये दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, ये वेक्टर नहीं है,
वो ए एक्स एंड ए वाई दोनों इंडिविजुअली यहाँ पे क्या मान रहे हैं, कंपोनेंट मान रहे हैं। तो हाँ जी, तो अब बोलें कि ए एक्स एंड ए वाई दो कंपोनेंट हैं, तो वेक्टर ऐसे लिख दोगे, इतना लिख दोगे तुम्हारा डन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्मेट पे ऐसे लिखेंगे, और पूछेगा कि ये जो वेक्टर ए है एक्स के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ट्रायंगल में वाई बटे एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बटे एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बटे एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बटे एक्स। इस डायलॉग को कैसे याद रखोगे, हमारे पास दो ही कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट हैं, ए एंड ए वाई, डायरेक्शन किसके साथ पूछा, पूछा हमने या लिखा है एक्स, एक्स के साथ, तो जिसके साथ एंगल होता है उसको नीचे लिखते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो लिख दिया, आप याद रखोगे तो ऐसे करोगे मे भी कल को भूल जाओगे ऊपर वाई था या नीचे वाई था, तो क्या करते हैं, या किसके साथ, तो एक्स के साथ एंगल लिखोगे तो एक्स वाला नीचे कंपोनेंट लिख लोगे, एक्स के साथ है, अगर यही बोलते कि ये यही वेक्टर इसके साथ बाई बेटा एंगल बना रहा है, तो टेन बेटा की वैल्यू बताओ, तो बाई वाला नीचे लिख देते, जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट नीचे लिख देंगे। आई एन जे में लिखा रहा था, पहले तो कंपोनेंट सेपरेट कर लोगे, और जिसके साथ एंगल बोलेगा वो कंपोनेंट को नीचे लिख दोगे, तो अपने आप टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये याद समराइज करके आपको बता दिया, अगर आगे चल के अगर देखना शुरू कर दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ें, लैंग्वेज एक ऐसा सीखेंगे तो आसान पड़ेगा आपके लिए। जल्दी जल्दी बताएंगे अब, तो कंपोनेंट कितना था हमारे पास, ए एक्स एंड ए वाई, तो ध्यान से सुनोगे की लैंग्वेज है, कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई, तो ये कंपोनेंट में बोल रहा हूँ, वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और उसका मैग्नीट्यूड तो ऐसा बताओगे, डायरेक्शन तो ऐसा बताओगे। इनका एक क्या होता, पोलर फॉर्म होता है, क्या होता है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में इसको वर्टेक्स के फॉर्म में दिखाते हैं, तो बोलेगा या तो हम लोग इसका पोलर फॉर्म लिखना होगा, इसको सिर्फ लिख देंगे ए एक्स कॉमा ए वाई, तो उसका मीनिंग भी यही है, ए एक्स कॉमा ए वाई। अगर इसी का पोलर फॉर्म में लिखना होगा, बोलेगा कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर या ऐसा कुछ लिख देंगे, तो एक ही बात है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया ए एक्स कॉमा ए वाई, यूजुअली मैथमेटिक्स में चलता है, बट यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है हमें। एक बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर में सवाल है कि ऐसे लिखाओ, ध्यान सुन लोगे, अभी यहाँ पे तो आपको ऐसे तो वहाँ प्रोजेक्टाइल में मिलता है, बट ऐसे लिखा हुआ कि प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया किसी इंस्टेंट पे, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं तो रूट थ्री एंड वन है, क्या है उसके, रूट थ्री एंड वन है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ना समझ में आई बात, किसी इंस्टेंट पे फेंक दिया गया ऐसे लिखा, चार लाइन लैंग्वेज में लिखा था, चार लाइन बन जाएगा, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास दिस इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल एट एनी इंस्टेंट, तो वह लेक वेलोसिटी वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट्स रूट थ्री कॉमा वन, देन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऐसे लैंग्वेज लिखा रहो चार हो जाएंगे। आंसर कितना होगा हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा जा रहा है, एक्स के साथ एंगल पूछा जा रहा है, तो एक्स वाले को कहाँ लिखेंगे, नीचे, तो टेन थीटा कितनी आ जाएगी, वन बाई रूट थ्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, आंसर खत्म होगी बात। तो ये पोलर फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, तो जल्दी जल्दी निकाल लेंगे इसका जो है एक्स और वाई के साथ एंगल बता दें आप, कोई वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस टू जे कैप। अब ये जो है ना, तो हर एक चैप्टर लेकर हर एक बुकलेट में ये सब सवाल हैं, आप जब सोल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा, तो जल्दी जल्दी आप सीरियसली इनके बारे में बता दें कि इसका एंगल एक्स के साथ बता दो एक बार, ये एंगल एक्स के साथ और वाई के साथ दोनों की वैल्यू निकाल लें, एंगल एक्स के साथ थीटा बना और वाई के साथ थीटा टू है, जल्दी फिलअप कर लोगे। कोई वेक्टर i प्लस टू जे है और ये वेक्टर क्या, तो x के साथ x एक्स के साथ एंगल थीटा बन बना रहा है, तो टेन थीटा बन की वैल्यू बता दें, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ थीटा बन बना रहा है, बोलेंगे पहले तो x कंपोनेंट बता दो आप, वन y कंपोनेंट टू, एंगल किसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स वाले नीचे, मतलब नीचे वन और ऊपर टू, तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा वन की वैल्यू टू आ जाएगी, थीटा वन टेन इनवर्स टू रहेगी, कितनी हो जाएगी,
थीटा वन टेन इनवर्स टू, ये टू आ गया, और इसके बारे में कौन बताएगा? बाई के साथ एंगल थीटा टू बना रहा है तो बाई कॉम्पोनेंट नीचे तो वन बाई टू आ जाएगा, टेन थीटा टू की वैल्यू वन बाई टू या थीटा टू की वैल्यू टेन इनवर्स वन बाई टू। क्लियर हो गया वालों को? तो एंगल निकाल लोगे जहाँ पर रहेगा, तो ऐसे कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा, अगर वेक्टर लिखा हुआ तो एंगल में कन्वर्ट करो। मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हो तुम, उसका मैग्नीट्यूड बोले रूट फाइव हो गया, क्या हो जाएगा? क्लियर बात हो गई होगी? तो इस प्रोसेस को क्या करना बोलते हैं? वेक्टर को फॉर्म करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कि वेक्टर को क्रिएट करो। वंस मोर एक बार रिपीट कर लेंगे, ये घर पे जाकर रिपीट क्या करना है, ये दो प्रोसेस, जो पहले कंपोनेंट लेना था तो ब्रेकेज करना था, ब्रेकिंग था, और ये क्या था हमारा फॉर्मेशन, दोनों क्या आप एक दूसरे का तो अपोजिट प्रोसेस है, हैं सेमी बट इसको अपोजिट नेचर से हम लोग देखेंगे। तो एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स वाले में आई कैप दे दिया हुआ 10 न्यूटन और 6 और 8 लिखा हुआ, जल्दी से चारों लेग प्रोसेस कर लें आप। 6 और 8 दिया हुआ, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, इनका क्या वेक्टर फॉर्म लिख लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, डायरेक्शन निकाल लेना है, एंड तो वन मोर इज द तो पोलर फॉर्म लिख देंगे। बहुत आसान है, पोलर फॉर्म 6.8, पोलर फॉर्म 6.8 पता होगा। पहले एक्स को लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, बाई को लिखते हैं, एक्स को ही क्यों लिखते हैं, बाई को बाद में क्यों लिखते हैं? एक्स और वाई का मीनिंग आपको पता है नहीं पता? अरे जो बायोलॉजी में तुम्हें एक्स और एक्स एक्स पढ़ते हो ना, वही यहाँ पे एक्स बोलते हैं। समझ आती बात नहीं है? एक्स को फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ना, और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स फीमेल और वाई मेल, हाँ या नहीं? ऐसे कुछ होता है ना, सेम चीज़ न्यूटन ने बोला कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या हमारा, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक्स को पहले लिखा जाता, तुम्हें पता होगा कि फीमेल को पहले लिखते हैं, फीमेल फर्स्ट ऐसा ही बोला जाता है। तो एक्स को पहले कोऑर्डिनेट में लिखते हैं और वाई को क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में लिखा जाता है। 6.8 6.8 6.8 क्लियर हो गया? लाइक पोलर फॉर्म, यस गुड। हॉरिजॉन्टल के साथ है तो टेन इनवर्स 4/3, और वर्टिकल के साथ 3/4, वेरी गुड। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी 10, मैग्नीट्यूड विल बी 10, एंड थीटा बीटा निकाल लिया होगा लोगों ने, टैन थीटा अगर एक्स के साथ लिखें, एक्स के साथ है तो डाट में 8/ लैंग्वेज में लिखा रहेगा कहीं पर, ये क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं? ध्यान से लोग, एक आर कितना 6 मीटर तो ईस्ट गया, एक आर मूव 6 मीटर ड्यू ईस्ट, देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 8 मीटर, पहले ईस्ट जा रहा है, लेफ्ट टर्न ले लिया और फिर 8 मीटर गया लेफ्ट, बताओ जब ईस्ट जा रहा हो तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ऊपर होगा, बताओ अपने आप हो जाएगा तो नॉर्थ चले जाएंगे। एक डायरेक्शन लेफ्ट राइट भी होता, या तो ईस्ट एंड वेस्ट बोले या फिर क्या बोले, लेफ्ट राइट बोले। तो जब तुम ईस्ट जा रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, तुम्हारा माउथ जब इधर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, तो लेफ्ट में लोगे टर्न तो कहाँ जाओगे, नॉर्थ में। तो बोले एक कार जो है 6 मीटर ईस्ट गई, लेफ्ट टर्न लेता है, 8 मीटर जाता, तो कार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो। तो कार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, कार का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, कार का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है वो बताएं, या कार का डिस्प्लेसमेंट का पोलर फॉर्म लिखो, तो ऐसा लिख दोगे, ये लैंग्वेज में लिखा होगा। क्लियर बात हो गई होगी? तो आगे कंपोनेंट लेना और वेक्टर का फॉर्मेशन करना आपने सीख लिया। तो नेक्स्ट तो इन्फॉर्मेशन मूव करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो एक बार समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, सब लोग एक बार बोलने की कोशिश करेगा, एक एक बार बोलने की कोशिश करोगे, एक बार देख ले कि पहले तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता दिया कि अगर कंपोनेंट लेना और फॉर्मेशन करना सीख लिए तो फिजिक्स का अराउंड 70% कम्प्लीट हो जाता, अगर तुम्हें थीम में समझ गए तो। एक बार फिर से कंपोनेंट लेना सुन लें, क्या आप बोलना चाहेंगे उसके बारे में, एक लाइन बोलना, तो क्या बोलो कंपोनेंट के बारे में? बोलेंगे वेक्टर की वेन होता है, उसका एंगल अगर एक्स के साथ पता है तो एक्स के साथ कंपोनेंट कॉस थीटा लेंगे, और वाई के साथ यही है, उसका अगर एंगल वाई के साथ पता है वाई वाला कॉस थीटा हो जाएगा, और एक्स वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और छोटी मोटी बात तो पता हो गया होगा, तो रेक्टेंगुलर 3 होते हैं स्पेस में, और 2D में 2 होंगे,
और ऐसे कंपोनेंट पूछेगा तो इन्फिनाइट होंगे, ऐसे कंपोनेंट कितने होंगे, इन्फिनाइट होंगे। और उसके अलावा जो है तो कंपोनेंट छोटा होगा या इक्वल होगा, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो कंपोनेंट एक वेक्टर गिवन रहेगा तो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेंगे, और दो दो वेक्टर जोड़ने वाला केस भी आपने तो मैथमेटिकली आपने देख लिया, मतलब अगर फार्मूला में पता तो वो प्रोसेस तो कर ही देंगे। तो एक केस तो ख़त्म हो गई, ये सेपरेट हो गया। दूसरा काम फॉर्मेशन करना, तो फॉर्मेशन अभी लिखा हुआ आपके सामने कि दिया रहेगा, कंपोनेंट दिया रहेगा, तो कंपोनेंट में तो एक्स में आई कैप लगा देंगे, अब आई में जे कैप लगा देंगे, तो जो अपने आप क्या बन के आ जाएगा, वेक्टर लगे बन के आ जाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालना होगा तो टेन थीटा इक्वल टू जो भी जिसके साथ एंगल होगा वो वाला नीचे रख देंगे, दो ही लोग हैं एक नीचे चला गया तो अपने आप दूसरा क्या हो जाएगा, और पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो बस एक कॉमा के थ्रू लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई, तो ये सभी एक ही चीज़ लिखा हुआ, एक ही चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो नेक्स्ट केस में कौन से जा रहे हैं हम लोग, दो वेक्टर का एंगल डिफाइन करने जा रहे हैं। तो दो जब एंगल डिफाइन करते हैं वेक्टर्स में दो ही चीज़ होता, दो लोगों को लोगे, दो लोगों को लोगे तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ऐसे दो लोग होंगे, या दो लोग ऐसे होंगे, या तीसरा क्या पॉसिबिलिटी होगी, दो लोग ऐसे होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, ऐसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दोनों अलग अलग है या सेम है, इन दोनों के बारे में बोलूं ये अलग अलग है या सेम है, ऐसे मतलब अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो बोलोगे दोनों अलग अलग है, बट अभी आपको सेम भी दिखा देता हूँ। अगर ऊपर ऊपर बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ पे दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, यहाँ से दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। या ऐसे बोलोगे कि सर यहाँ पे दोनों वेक्टर का है, ये वेक्टर का टेल है और इसका भी टेल है, दोनों का टेल यहाँ मीट कर रहा है, दोनों क्या मीट कर रहे हैं, जबकि तुम यहाँ बोलोगे दोनों लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या दोनों का क्या मिल रहा है यहाँ पे, हेडेड मिल रहा है। तो हाँ अब बोलेंगे क्या ये दोनों डिफरेंट नहीं है, हैं क्या दोनों सेम ही हैं, अगर पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे तो इसी केस में क्या हो जाएगा, ये अगर इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर लें, आपको याद होगा कल अभी आज भी रिपीट करवाया कि वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेशन करने से क्या होगा, तो वेक्टर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, रिमेन अनचेंज, हमने पैरेलल ट्रांसलेट। अब क्या हो रहा है इसी केस में, अब ये डाइवर्ज कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं, हाँ या नहीं। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर हमने दिखाया और यहाँ पे एक एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, एंगल का कॉन्सेप्ट किसके बीच में डिफाइन होता है, दो लोगों में डिफाइन होता है, किस में डिफाइन होता है, दो लोगों में डिफाइन होता है, तीन लोगों में एंगल नहीं, दो दो पेयर में लिखते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में एंगल इतना हुआ, ऐसा बताएंगे, ठीक है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो दो लोगों के बीच में डिफाइन होता है, जैसे सुना होगा एक मैरिज होता है, सबकी तमन्ना होती है यार कि, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन कितने लोगों में वैलिड है, दो लोगों में वैलिड है, हाँ या नहीं। एक्सेप्शन वहाँ भी आते हैं, तुमने सुना होगा द्रौपदी का एग्जाम्पल, वो अलग केस था, बट यूजुअली जो है तो लाइक एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ पे डिफाइंड है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइंड होता है। आप डिफाइन कैसे करते तो लैंग्वेज सीखोगे, अगर ये नहीं समझोगे तो होगा क्या, किसी केस में तुम 30 डिग्री ले लोगे और किस दिन आपको मूड अच्छा रहेगा तो क्या लोग 150 ले लोगे, और किस दिन तुम्हारा आंसर वो सही हो जाएगा, किस दिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काफ़ी लोग जो ना जो मिलते हैं हमसे तो बताते हैं पिछली बार तो हमारे इतने नंबर थे इस बार कम हो गए, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता कि उनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है चीज़ें, क्योंकि दो ही ऑप्शन में फाइट होती है, जब एग्जाम देने जाएंगे तो कितने ऑप्शन में फाइट होती है, दो ऑप्शन में, तो किस दिन उनका बढ़िया रहा तो क्या, अगर वो ऑप्शन लग गए तो उनका नंबर उस साल अच्छे आ जाते हैं, और एक साल बाद वही दिन अगर उनका अच्छा नहीं रहा तो क्या हो जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं, उसमें नंबर कम हो जाएगा। तो किसी का अप डाउन होने का मतलब क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे
तो दो नंबर चार नंबर का आगे पीछे वेरिएशन हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी का ज़्यादा आना और कम आना ये बताता है कि कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट एंगल मेजर करने का आपको सीखना है और ये आगे हमें ज़रूरत होती रहेगी, क्योंकि ये दो एंगल होंगे 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो 30 डिग्री लोगे और 150 लोगे तो भी तुम्हें चार ऑप्शन में एक टिक आउट कर सकते हो वहाँ पर, बट उसमें सही एक ही चीज़ होगा। तो अगर एग्जैक्टली जानेंगे तो हमारे आंसर क्या होंगे, हर एक साल सही होंगे। तो एंगल कैसे मेजर करते, ध्यान सुनोगे, जहाँ से दोनों वेक्टर क्या कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, या जहाँ पे दोनों वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हो, तो वहाँ पे दो एंगल बनता है। एक एंगल ये वाला एक एंगल है और एक दूसरा एंगल पीछे है, तो एक छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल होगा। तो इन दोनों वेक्टर में किसको एंगल मानोगे किसको नहीं मानोगे, तो छोटे वाले को क्या मानते हैं, एंगल मानते हैं। जहाँ पे दोनों वेक्टर कन्वर्ज करेंगे या दोनों वेक्टर, तो वहाँ पे दो एंगल बनता है, एक बड़ा एक छोटा एंगल, को क्या मानते हैं, एंगल मानते हैं। क्लियर बात हो गई। अब बोलोगे अगर दोनों कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करेंगे, जैसे एक एग्जांपल और दिया था हमने, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे दोनों कन्वर्ज कर रहे थे, बाय द वे यहाँ पे लिख दिया गया ये कितना एंगल हमारा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, तो ये टिक आउट करेंगे कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री, इन दोनों में कितना, या यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कन्वर्ज करते, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बता दोगे इतना तो पहचान लेंगे आप। ये एक एंगल ये दिया मान लिया 60 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। जबकि जहाँ पे एक क्या कर रहे होंगे कन्वर्ज और दूसरा डाइवर्ज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पैरेलल शिफ्ट करके, या तो दोनों को क्या करेंगे आप, या तो दोनों का हेड हेड मिलाएंगे, या दोनों का टेल टेल मिलाएंगे। जिस पॉइंट पे दिख रहा है ना, एक क्या हो रहा है, ये आ रहा है और ये क्या कर रहा है, जा रहा है, एक कन्वर्ज कर रहा है एक, हम बता तभी सकते हैं जब या तो क्या हो, दोनों कन्वर्ज करे या दोनों डाइवर्ज करे, दोनों का टेल टेल हो जहाँ पे, या दोनों का हेड हेड हो। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं, पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं, और उसके बाद देख लेंगे क्या हो रहा है। तो ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट किया, अब क्या हो गया, ये वेक्टर हमारा जो भी नाम दे ए और ये बी है, एक वेक्टर ए है और ये बी था, बी को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, पहले बी उधर दिखाया हुआ था, पहले बी उधर शो आउट किया था, इसको शिफ्ट कर दिया, अभी पूरी 180 डिग्री है ना, ये 150 से इधर कितना हो गया 30, इधर कितना हो गया 30 हो गया। तो अब क्या बताएंगे, ए और बी के बीच का 150 एंगल या 30 एंगल, अब बोले वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनके बीच में एक एंगल ये बन रहा है, एक पीछे वाला बड़ा बनेगा, वो बड़ा हो जाएगा, हमें किससे मतलब है, एंगल दो वेक्टर के बीच में जहाँ पे हेड हेड या टेल टेल मिलते हैं उनके बीच का छोटे एंगल को एंगल कहते हैं, तो 30 डिग्री एंगल टिक आउट करेंगे। दो वेक्टर्स ऐसे शो किए हुए थे, एक कोई भी नाम देते ए है और बी है, इनके बीच का एंगल बताओ, तो ये 150 डिग्री एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक का हेड है दूसरे का, एंगल कब डिफाइन होता है, जहाँ पे दोनों के कन्वर्जिंग हो, दोनों डाइवर्जिंग हो, यहाँ पे एक कन्वर्ज एक डाइवर्ज कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। तो पैरेलल शिफ्टिंग किया तो क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। अब जो देख लेंगे यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो, छोटा वाला 30 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना बताएंगे आप, 30 डिग्री बताएंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को, तो फटाफट देख लें, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। डिफिनीशन जिसको चाहिए, तो एंगल क्या डिफाइन करते हैं, तो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, हेड हेड में या टेल टेल में, हेड हेड को ही क्या बोलते हैं, तो कन्वर्ज करना, या टेल टेल को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करना। स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, तो अगर मिल रहा तो बढ़िया है, और नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, खींच करके मिलाएंगे, क्या करेंगे आप, खींच करके मिलाएंगे। तो आगे मूव करेंगे तो जल्दी से एक पहचान लेंगे कि तीन वेक्टर हैं, ए बी बी सी ए सी, इसके बारे में इक्वेशन के बारे में कौन बताएगा, क्या लिखोगे, ये वेक्टर को पहले बताओ कैसे हैं, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, साइक्लिक है या एंटी साइक्लिक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये ए नाम दें, इसको बी नाम दें, इसको सी नाम दें, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसा बोलेंगे आप।
अब बोला गया कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ए बी सी के बीच का एंगल पूछेगा तो आप बता पाओगे? बोले एंगल तो तीन के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, किसी दो के लिए बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लिख दिया गया यहाँ पे ए बी सी दो दो के लिए बोला जा रहा है कि एंगल बता दें, दो लोगों के बीच में एंगल बता दें, वो साथ में लिखा हो नीचे ए और बी और सी, ए बी बी सी ए सी, ये वाला ट्रायंगल हमें खूब पढ़ना है, बार बार इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये फोटो दिया हुआ है, इक्वेशन में लिखना चाहोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, मे बी मैंने डायग्राम बनाया था वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वह? ये डायग्राम जो है तो अपने घर पे भी बना लिया करो, बीच बीच में बना लिया करो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए से पढ़ना। डायग्राम ऐसे साइक्लिक में या एंटी साइक्लिक में बना दिया, साथ में ऐसा लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या रहा है? या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे बनाओगे, ये साथ में लिखा हुआ तो समझोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटरनल एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये सारे कितने होंगे? हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो बोले कि ये वाला यहाँ पे इंटरनल एंगल एंगल नहीं होगा, इंटरनल एंगल एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो एंगल बताने के लिए तो हमें दोनों का हेड हेड या दोनों का टेल टेल मिलाना होगा। अब जो मर्जी हो वो मिला सकते हो, दोनों का हेड हेड या दोनों का टेल टेल मिलाना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में या जनरल नॉलेज से तुम वो भी जानते हो कि अगर इंटरनल एंगल नहीं हो रहा तो एक्सटर्नल होगा, तो इक्विलेटरल में तो इंटरनल 60 होता है और एक्सटर्नल 120 होता, इंटरनल 60 और एक्सटर्नल, तो ये एंगल ऑलरेडी आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 120। तो हम क्या बोलेंगे, ये ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो ऐसे पैरेलल ट्रांसलेट करोगे। अब ए और बी के बीच का एंगल कौन बताएगा? 120। दो एंगल कौन करते, एक 120 हो रहा था, एक 240 नहीं होगा, बड़ा है ए 120, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना बताएंगे आप? डेट इज 120। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो वैसे बी एंड सी में इसको शिफ्ट करोगे पैरेलल 120, सी एंड ए में, समझ आ गया आप लोगों को? इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ना है यहाँ पे ए और बी में 120 120 120। एंगल पहचान लेंगे, बाकी लेकिन प्रैक्टिस जब करते थे इधर उधर डायग्राम भी बना के एंगल पहचानते, तो अब जो है डेफिनेटली कर लोगे तुम पैरेलल, अगर डायरेक्टली जो है तो दिखाया हुआ, तो अगर वो वहाँ पे हेड हेड या टेल टेल मिल रहे हैं तो वो तुरंत एंगल बता दोगे, अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करके तो हेड हेड मिलाएंगे या टेल टेल मिलाएंगे तभी बताएंगे, हेड हेड मिलाएंगे या टेल टेल मिलाएंगे तभी बताएंगे। क्लियर बात हो गई? तो आगे हम रिमूव करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। डायलॉग ये आता है कि जोड़ने को क्या बोलते हैं रिजल्टेंट, जोड़ने को क्या बोलते हैं? फार्मूला बताया था कितने लोगों के लिए आता है? दो वेक्टर्स के लिए आता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये फार्मूला था। वैसे जो तो दो वेक्टर को ऐड करना, तीन वेक्टर को ऐड करना, चार वेक्टर को ऐड करना, सभी को ऐड करने के लिए सीखने जा रहे हैं, कितने भी वेक्टर होंगे तो हम जोड़ देंगे, बट फार्मूला किसके लिए आता है? दो के लिए आता है, बाकी तीन जोड़ना तो क्या करेंगे, बता रखा है हमने, पहले दो को जोड़ेंगे फिर जो आएगा तीसरे के साथ जोड़ देंगे। चार जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, पहले दो फिर दो आएगा तीसरे के साथ, फिर जो आएगा उसका तो चौथे के साथ जोड़ देंगे, तो ऐसा कर लेंगे। यूजुअली मैक्सिमम चार हो गया, बाकी यूजुअली तुम्हारे दो से तीन तक ही जाते हैं। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए देखते हैं कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ। एक केस तो जोड़ने वाला कल बताया था, तो वो आज याद हो गया होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है, या उसी को क्या बोला था, ट्रायंगल रूल, क्या बोला था? तो पहले के हेड पे दूसरे का, और पहले का टेल ज्वाइन कर दिया तो क्या निकल गया, रिजल्टेंट ए प्लस बी। हमारे काम का क्या था? ये काम का था ही नहीं। क्या था हमारे काम का? काम का ये था बंद फोटो में सेम डायरेक्शन वाले को एक तरफ लिखो और अपोजिट डायरेक्शन वाले को
तो ऐसे लिखने के लिए बोल दिया था, मास्टरी कर लिया होगा तुमने इसके बारे में। तो तीन को जोड़ने के लिए अब मैं बोल देता हूँ, एक बार सुनेगा लोग, बंद करके एक बार ऐसे आदत बना ले बोलने के लिए। अगर तीन वेक्टर्स को जोड़ना, दो वेक्टर के लिए ट्रायंगल बोलते हैं, तीन वेक्टर को जोड़ने क्या बोलते हैं, पॉलीगन रूल। चार वेक्टर को जोड़ने को क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पांच वेक्टर को जोड़ने क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब दो से ज़्यादा वाले को क्या नाम देते हैं, पॉलीगन। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगन। क्लियर बात हो गई। तो देखोगे पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट बन जाता है। या इसी को कैसे क्या बोलेंगे, पहले का टेल और लास्ट का हेड जब पॉलीगन रहेंगे तो पहले का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन करने से क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट। मैं बोल रहा हूँ तीन के लिए, एक बार सुनोगे अच्छे से। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, पहले का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तीन का सम हो गया, कितने का सम हो गया, क्लियर बात हो गई। वंस मोर, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, पहले का टेल और तीसरे का हेड ज्वाइन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट हो गया। तीन को एडिशन का नियम सीख लिया हमने, फोटो में दिखाएंगे। पहला दूसरा तीसरा और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी। क्लियर बात हो गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, ऐसे डिजाइन कर लेंगे। तो फिर से पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, पहले का टेल और लास्ट का, ये पहले का टेल और चौथे का हेड ज्वाइन कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। कितने का सम हो गया, चार का सम हो गया। क्लियर बात हो गया, तो आप पाँच के लिए बोल सकते हैं। हाँ चौथे के हेड पे पांचवें का टेल, पहले का टेल और पांचवें का हेड ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समझ आ गए। पांच के लिए बोल दिया तो चार के लिए तो आप डेफिनेटली बोल देंगे। अच्छा चार, तीन के लिए बोल दें, आराम से, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। पहले का हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, पहले का टेल और तीसरे का हेड ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। आप बता पाएंगे छः के लिए, गुड। देख लिया, ऐसा में तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये पॉलीगन रूल है। ये ट्रायंगल बंद, ये लेकिन जो है तो पॉलीगन बन रहा है उसमें क्या होगा, तो बंद हो गया। ये लोग सेम सेंस में, ये किसमें है, अपोजिट सेंस में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डब्ल्यू डी, ये पॉलीगन रूल कर रहे हैं हम लोग। बाकी ट्रायंगल में आते हैं अभी, बाकी हर एक लोग डायलॉग बोल सकते हैं। अब आप रूम पे भी रहते हो, जहाँ भी घर पे रहते हो, कहीं रास्ते वास्ते में जा रहे हो, वहाँ भी बोल सकते हो। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, पहले का टेल और तीसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट बन जाता है। तो आप बोलोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ें। ये पढ़ना जो है ना, सिर्फ जब किताब खोलते हैं या कॉपी खोलते हैं तभी नहीं पढ़ना होता, बाकी इन्वायरमेंट के साथ भी पढ़ते रहना होता। जहाँ भी हैं आप तो वहाँ पे तो कंटिन्यू रखना होता। मैं तो उठता हूँ तो अभी भी बोलता हूँ यही। तुम्हारी क्लास लेनी थी ना कल, तो मैं दो तीन दिन पहले से फिर से तैयारी कर रहा था वेक्टर का। तैयारी का मतलब ये होता है कि हम तुम्हें कैसे अच्छे से बता सकते, समझ आई बात नहीं आई। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, आसानी आएगी। अगर हमारे कंफर्ट में दिक्कत है तो फिर तो आपको दिक्कत ही आ जाएगी। तो किताब से नहीं तैयारी कर रहे थे, किताब से तैयारी नहीं हो रही थी, ठीक है। दौड़ रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है। जब दौड़ने जाओगे तो वो काफ़ी कम लोग होते हैं उधर। तो एक वेक्टर पहले के हेड पे दूसरे का तो टेल और पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से क्या बन जाता है, रिजल्टेंट बन जाता है। और हाथ भी हिला लिया सर, तो आपको भी करना चाहिए, आसान हो जाएगा। जब कोई चीज़ नया नया सीखते हैं ना, आप आनंद ले उसका। अगर आप डांसिंग सीखते हैं तो क्या होता है, घर पर आते फिर कमरा बंद करके फिर भी एक और डांसिंग कर लेते हैं आप। ऐसा कुछ किया नहीं किया, अरे कुछ नया नया चीज़ सीखते हो आप, डांसिंग का क्लास करके आए, आपको सबके सामने अगर दिक्कत होती तो क्या करते, कमरा बंद कर लिया, गाना चला लिया, बिस्तर पे स्टार्ट हो गए उसको बोलते तो आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप जब ये काम करना शुरू करेंगे, ब्रश कर रहे हैं, आप बोले पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले का टेल दूसरे का हेड ज्वाइन किया, रिजल्टेंट बन गया,
तब आपको आनंद आएगा, तब आपको आसान लगेगा। आप जाओगे तो जो 50 क्वेश्चन, हम ये बोलता हूँ ना कि 50 क्वेश्चन जाकर क्या करोगे तुम, 10 मिनट 15 मिनट में कर दोगे। तो मैं ये मान के बोलता हूँ कि तुम ये काम कर रहे हो, समझ आई बात नहीं है, तुम्हें ये आनंद आ रहा है, तुम्हें मज़ा आ रहा, तुम जहाँ भी मौका मिल रहा तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, बोल रहे हो, तुम्हें चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ उतनी आसानी के साथ तुम बोल रहे हो, समझ आ गई बात। तो ये देख लिया कि पॉलीगन में बना देते, बंद फोटो में देख लिया आपने, तो ये अगर ऐसे लिख दूँ तो कौन बताएगा क्या लिखा हुआ है। ये फिजिक्स में इतना तो डायरेक्शन पलट देने से बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, क्या बताएंगे भैया। तो दिस इज इक्वलेंट टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू जीरो। अब क्या कोई दूसरा रहा ही नहीं, सभी लोग किधर हो गए, सेम सेंस में हो गए, तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या बताएंगे, जीरो हो गया। ये सभी का क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आगे देखेंगे ऐसा बोला जा रहा है। चलिए समटाइम्स ना, या तो लाइक तुम्हारे एग्जाम में तो एक बार ऐसे सवाल आए कि ये अभी तो मैं बंद करके दे दे रहा हूँ, बट वो जो सवाल आए थे तो क्या था, खुला हुआ था और पूछा हुआ था कि कौन सा ट्रू है, ए बी सी डी ई एफ। पहले तो एक क्वेश्चन तो हो ही गया आपके सामने, ए बी सी डी ई इजिकल टू एफ। अगर ऐसा कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो क्या क्या बोलेंगे आप। चले मैं क्वेश्चन आप पूछ रहा हूँ, देखते हैं इनको समझ में आया। पी की जो है तो दो वैल्यूज बता दो, चलो पी की एक वैल्यू बता दो, पी की एक वैल्यू बता दो। तो बोले पी की एक वैल्यू, बंद फोटो है, ए प्लस बी इजिकल टू पी, ए प्लस बी इजिकल टू, और कोई पी का वैल्यू बता सकते हैं आप, पी की और कोई वैल्यू। तो ऐसा बोलेगा पी प्लस सी इजिकल टू, इसको कुछ मान लिया कि ये पी क्यू क्यू क्यू, ये क्यू मान लिए, आर मान लिया, ये पी के बहुत सारे वैल्यूज लिखे जा सकते हैं। पी प्लस सी इजिकल टू क्यू, पी का निकालना तो क्या कर लोगे, क्यू माइनस सी हो जाएगा। या अगर और पी के वैल्यू बताना तीन लोगों को लेकर के, तो पी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू आर, तो पी की वैल्यू वहाँ से निकालो, आर माइनस डी माइनस सी, हाँ या नहीं। या फिर और भी बताना हो तो बता सकते ना हम, पी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इजिकल टू, ऐसा कर लेंगे आप। तो मतलब पी के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, अरे बहुत सारे हो सकते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते आप। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको क्या करना है, तो समझने ही काम है, हमने बोल दिया, आप ऐसे समझना शुरू करेंगे तो जो क्वेश्चन जहाँ मिलेगा आप क्लियर भी कर देंगे। फोटो बंद होना चाहिए, एक जो सेम सेंस में उसको एक तरफ, जो अपोजिट सेंस में क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे कहीं फोटो बना हुआ, चार ऑप्शन दे रहे हैं कौन सा ट्रू है, इक्वेशन में चार कौन सा, तो वेरीफाई यहाँ से ट्रू है, लोगों को एक बंद फोटो चूज किया, जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से वही वही बन रहा है, नहीं बन रहा, अगर वही वही बन रहा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अगर नहीं बन रहा तो क्या कर देंगे। समझ आ गया वो लोगों को। यहाँ पे तो बहुत सारे मल्टीपल इक्वेशन बना लिया आपने, क्यू की एक वैल्यू कौन बताया, क्यू की एक वैल्यू क्यू 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 की एक वैल्यू डी प्लस क्यू प्लस डी इजिकल टू आर, क्यू प्लस डी इजिकल टू आर, क्यू प्लस डी इजिकल टू आर, बंद फोटो है ना, ये कुछ नहीं, आंखों का काम है, हाथ का कोई काम ही नहीं है, देखना क्या बंद फोटो होना चाहिए, बंद फोटो में ये और ये आंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, तो इनको जोड़ दो, क्यू प्लस डी इजिकल टू क्यों की वैल्यू बतानी है, तो R माइनस डी कर लेंगे, खत्म हुई बात, चार ऑप्शन जो दिया रहेगा तो टिक आउट कर लेंगे, क्लियर हो गया वो लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में रहता डायग्राम दिया हुआ, क्या बनाया आप, इक्वेशन बनाए, डायग्राम दिया हुआ क्या बनाया, हेक्सागन दिखा दिया था, एक बार दिखा लेंगे आप जल्दी से, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप स्केच आउट कर लें, जो नहीं करा जल्दी जल्दी कर लेगा, एक आग इक्वेशन भी लिख लेगा जो मर्जी हो, बड़ा वाला या छोटा वाला एक आग इक्वेशन लिख लोगे, ताकि तुम्हें याद रख लीजिए क्यों बताया था ये ऐसा। हेक्सागन के एक आग क्वेश्चन और उठाऊंगा, एग्जाम में आते हैं ये सब, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्यू, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्यू, तो पॉलीगन लॉ में आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बोल भी लेंगे आप, कभी भी जरूरत होगी तो आप बोल लेंगे। तो आगे मुझे तो दो वेक्टर का एडिशन पे काम करना,
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ट्रायंगल रूल पे काम करना, तो 10 मिनट हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या दिए रहेंगे, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, इसका लंबाई दी रहेगी, और दूसरा वेक्टर का भी लंबाई दिया रहेगा, और पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच का एंगल दिया रहेगा, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और उनके बीच का एंगल आप बता सकते हो कौन सा होगा, ये इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाला एंगल एंगल होगा तो ये थीटा दिया होगा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया होगा। निकालना क्या है, इनका जो एडिशन है रिजल्टेंट है, इनका जो एडिशन है रिजल्टेंट है, इनका जो इनका और इनका जो एडिशन है रिजल्टेंट है उसकी लंबाई निकालनी है, ये वाली है। ये जो वेक्टर है हमारा, तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल मतलब बता रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, डायरेक्शन बताना। समझ आई बात नहीं आई? जब तुम आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हो तो ये क्या लिखा हुआ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, आर इज इक्वल टू इसमें सब कुछ लिखा हुआ, बट उसी को खोलने जा रहे हैं आप कि एग्जैक्टली इसकी लंबाई कितनी और इसका डायरेक्शन क्या, बट वेक्टर फॉर्म में उसमें सब कुछ लिखा हुआ। दो चीज़ों को जोड़ने को रिजल्टेंट बोलते हैं, और घटाने को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। दो चीज़ों को जोड़ने को क्या बोलते हैं, तीन चीज़ों को जोड़ने को क्या बोलते हैं, चार चीज़ों को जोड़ने को क्या बोलते हैं, कहाँ से हो आप, मतलब स्टेट का नाम बताना, बिहार, यूपी, हरियाणा, बिहार प्लस यूपी प्लस हरियाणा जोड़ कर क्या बन जाता है, बिहार वेक्टर, यूपी वेक्टर, हरियाणा वेक्टर, ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हिंदुस्तान वेक्टर बन जाता है। तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। हिंदुस्तान क्या हो गया, इन सभी का रिजल्टेंट है, या जो यूपी है बिहार है तो क्या है, जो रिजल्टेंट है उसका कंपोनेंट है वो, उसका क्या है। समझ आ गया होगा, बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ने को रिजल्टेंट बोलते हैं, दो को जोड़ने को दो का रिजल्टेंट कहलाएगा, तीन को जोड़ने को तीन का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर, तो आर इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी, जबकि ए बी सी इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आर, ए बी सी इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आर। क्लियर हो गया लोगों को, यहाँ पे ए प्लस बी और ए एंड बी का रिजल्टेंट है वो, जबकि ए एंड बी क्या है, आर का कंपोनेंट है, ए एंड बी आर वेक्टर के क्या है। क्लियर बात हो गई होगी, तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, घटाने को क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव बोलते हैं, जो आगे हम डिस्कशन करेंगे। सबट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव लेना। जोड़ना और घटाना सीखा होगा तो उसी को यहाँ पे, तो रिजल्टेंट के टर्म्स में बोल रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ते, जोड़ रहे हैं बेसिकली, वेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो क्या निकालने जा रहे हैं, ये लंबाई बच्चे बच्चे को देश में पता है कि आर की लंबाई कितनी होती है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर की लंबाई कितनी होती है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बाकी एक बार देख लेते हैं कैसे आता है, जैसे एक मिनट का टाइम लगेगा, मे बी कुछ जगहों पर यह जरूरत पड़ जाती है हमें, जो हमने पढ़ा उसकी यहाँ पे तो एप्लीकेशन हो जाएगा। देखते देखेंगे ऊपर देखेंगे आप, ऑलरेडी हर एक बच्चे को याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट होता है रिजल्टेंट की लंबाई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट का फार्मूला है, पहली बार अपने यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा, आगे जो है कम से कम 25 जगहों पे यूज करूँगा। तो डैट बी, ये जो बी है तो क्या करते हैं, इसकी लंबाई निकालने के लिए देख लो, ये प्रोसीड्यूर काम करने की जरूरत पड़ेगी, ये इसकी लंबाई निकालने के लिए, हमें पता है कि लंबाई निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं है, तो हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से क्या डाल दें आप, ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये बी के बारे में सोचो, अभी साथ साथ ना लिखे, आराम से लिख लेंगे, बी के सामने क्या है, ये बी साइन थीटा और साथ में कितना, अब ये वाली पूरी ट्रायंगल क्या होगी हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लंबाई हाइपोटेनस निकाल लोगे, ये लंबाई कितनी होगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, और वो कितनी होगी, बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर बी साइन थीटा हो गई, पाइथागोरस लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसको फोड़ेंगे तो वही आ जाएगा जो पहले बोल रहे थे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, या आर की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर हो गया लोगों को,
ए प्लस बी कॉस थीटा बेस हो गया। बाकी कौन बता देगा, अभी टेन के वो चर्चा हुई थी टेन, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है मान लें, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में टेन अल्फा की वैल्यू बच्चा बोल सकता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन अल्फा की वैल्यू डायरेक्शन हो गया, टेन अल्फा रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। हर एक बच्चा खुद ही तो बोल रहा है कि टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है, लिख भी लेंगे आप टेन अल्फा की वैल्यू, पहले लिख देता हूँ मैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जब भी इक्वेशन आता तो उसमें आप देखेंगे कितने अननोन है इसमें, ये इक्वेशन एक बन गया, इसका एप्लीकेशन आगे आएगा, एक दो तीन चार, चार अननोन है, कोई तीन वैल्यूज दिए होंगे, फोर्थ निकालने की जरूरत पड़ेगी। अल्फा ए बी थीटा चार लोग हैं, कोई तीन गिवन होगा क्वेश्चन में, चौथा तो भैया पूछा जाएगा, समझ आ गई बात। अल्फा क्या है, अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर का एक के साथ एंगल है, थीटा क्या है, ए और बी दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ए क्या है, ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। डायग्राम में किसी को दिक्कत है, टैन अल्फा में किसी को दिक्कत है, बाकी आर की लंबाई तो कैसे निकालेंगे, तो आर की लंबाई स्क्वायरिंग से निकलेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का। अभी ड्राइव करने के लिए गर्मी क्लास में आते हैं, बाकी उसकी जरूरत नहीं है, स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो वन हो जाती है, तो कितना आ जाएगा ये, ये दसवीं पास करके ना, जैसे आप दसवीं पास करते तो यही पढ़ाया जाता है कि रियल टेंट का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट, वहाँ पे जो भी मास्टर पढ़ाएगा तुम्हें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखेगा, फिर बोलेगा बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तुमसे पूछेगा, तुम बता दोगे अगर वन, बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। हम भी दसवीं क्लास करा था तो हमसे भी पूछा गया था, हमने बताया था तो हमें लगा अच्छा ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमें याद था, काफ़ी लोग क्लास में नहीं बता पा रहे थे। चलें तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, कितने अननोन है, चार लोग हैं, कोई तीन दिया रहेगा चौथा फाइंड कर लेंगे, चार तीन वैल्यू क्वेश्चन में दिएगा, चौथा तुम निकालोगे, इसी के लिए तुम्हें इन्वाइट किया जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो इतनी निकाल लिया, एनालिसिस कर लेते हैं कि रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर ए और बी को फिक्स कर दे तो किस पे डिपेंड कर रहा है, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई तो ए प्लस बी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे वन रख दें, गुड, ए प्लस बी मैक्सिमम आ जाएगा, ये थीटा इक्वल टू जीरो के लिए। दो वेक्टर पैरेलल होंगे, दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो क्या बताएंगे रिजल्टेंट की वैल्यू ए प्लस बी, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी, रिजल्टेंट मैंने तीन बातें बोली, पहला का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा का बी, दोनों के बीच का एंगल जीरो, और तुम्हें चौथा बताना है रिजल्टेंट ए प्लस बी, समझ आई बात नहीं आई, पहला का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का बी, एंगल जीरो, हमने ये तीन बता दिया, तो रिजल्टेंट को क्वेश्चन में पूछेंगे, इनवाइट करेंगे कि आप बताओ, तो आप क्या बताएंगे, अब ये तीन बातें जो हमने बताई थी चौथा तुमने आंसर दिया, क्वेश्चन में वो किसी भी तीन को रख सकते हैं, अध्ययन ध्यान सुनो, ए है बी है और रिजल्टेंट ए प्लस बी है, एंगल बताओ जीरो, समझ आया, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ए है बी है और एंगल जीरो है, तो रिजल्टेंट ए प्लस बी माना जाएगा, तुम एवरेज बच्चे हो ये कर लेते हो तो एवरेज हो, और उल्टा कर दे, ए है बी है और रिजल्टेंट ए प्लस बी है, एंगल बता दो तो जीरो डिग्री, तो डेट इज अबव एवरेज हो गया तुम,
समझ आया नहीं आया? बोथ पे भी यूज करेंगे मोस्टली जगह पे। तो अभी भी तुम्हें सीख लिया ना, मे भी क्वेश्चन आएगा तुम भटक जाओगे, उसमें यही लिखा रहेगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू ए और बी के बीच का एंगल बता दे। समझ नहीं आई बात? अरे यही मैक्सिमम लिखा हुआ, ये कब कब लागू होगा? ए प्लस बी कब हो जाएगा सी? जब एंगल जीरो डिग्री है। चार ऑप्शन में तो जीरो डिग्री टिक आउट करोगे। अभी भी मैंने बता दिया, मे भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे क्लिक नहीं हो पाएगा। मतलब इसलिए नहीं क्लिक हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। सुना आगे हम लोग पढ़ेंगे गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर, नहीं सुना है सर? अरे हीट थर्मोडाइनमिक्स का तो बेसिक है रेडिएशन का प्रोसेस है कि जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा उतना ज़्यादा क्या करेंगे आप, तो इमीटर बन जाएंगे उतना अच्छा। गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमीटर, किरचॉफ्स का नियम आता आगे। बता दिया कि सीधा क्वेश्चन है, या मैं कैसे बोल दे रहा हूँ कि मैं किसी स्पेशल को नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग हमसे पास्ट ईयर्स में पूछे हैं, इसलिए आपको खोल के बता दिया कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर फॉर्म में लिखा रहेगा और नीचे क्या लिखा रहेगा स्केलर फॉर्म में। चार ऑप्शन दे रहेगा एंगल कितना है, तो क्या टेकआउट करेंगे आप सुन लें, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरा का मैग्नीट्यूड 2 है, मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालो, 1 प्लस 2 कर लोगे। उल्टा पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लाइक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है और रिजल्टेंट की 3 है, तो एंगल बता दो। समझ आ गया? जोड़ने से रिजल्टेंट आ जाता है तो एंगल क्या बताते हैं? जो दो चीज़ों को जोड़ने से अगर रिजल्टेंट आ जा रहा है, मैच कर जा रहा, तो एंगल क्या बताओगे तुम? तो एंगल बताने का एक प्रोसीडियर ये होता है, तो जब दूसरे काम कर लें फटाफट करेगा, जब कॉस थीटा के वैल्यू माइनस वन हो जाए, मतलब कॉस थीटा के वैल्यू मिनिमम माइनस वन थीटा 180 पे ऐसा होता है, थीटा 180 के लिए ऐसा होता है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी आ जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू ए माइनस बी। तो ये का पूरा पैकेज है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है उनके बीच का एंगल 180 है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए माइनस बी। अब ऐसा जो है ना, ए माइनस बी पढ़ रहा हूँ लिखा हूँ ऐसा, इसका मीनिंग होता है कि जो बड़ा होगा उस पर से घटा लोगे। ये साथ में लिखा होगा ए माइनस बी भी लिखा हुआ, साथ में क्या लिखा हुआ बी माइनस ए भी लिखा हुआ, अंडरस्टूड है? अगर ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है? ऐसा लिखना होता है ए माइनस बी ही लिखा हुआ, जबकि ऐसा लिखने का मतलब क्या लिखा हुआ? दोनों लिखा हुआ, ए माइनस बी भी और बी माइनस ए भी लिखा हुआ, तो जो बड़ा होगा उस वजह से तो घटा लोगे, रिजल्टेंट मिनिमम की वैल्यू निकल जाएगी। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताया था? 1 और दूसरा का 2, बोले मिनिमम रिजल्टेंट निकालो, मिनिमम रिजल्टेंट 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? पहला का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा का मैग्नीट्यूड 2, रिजल्टेंट की वैल्यू 1, एंगल 180, एंगल समझ आ गया? बोलोगे तुम एक डाटा को रिपीट करोगे? गुड, कितना होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। आप कुछ वैल्यू लेके एग्जांपल जो हमने दिया बताएंगे, वही पहला का मैग्नीट्यूड 1, दूसरा का 2, रिजल्टेंट 3, तो एंगल 0, एंगल 0। तीन वैल्यू जो वो देंगे, चौथा तुम्हें बताना। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो डैट विल बी नेक्स्ट विल बी, तो मिनिमम के लिए निकाल लिया, मैक्सिमम के लिए निकाल लिया, बोथ वे में तो आप यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू एक्सटेंशन बताओगे, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगी, कुछ भी हो सकती है। ये बहुत सारे सवाल मिलेंगे जहाँ पे ऐसा करना होगा आपको कि कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, रिजल्टेंट कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। अभी बताया था कि देखोगे, वन लिया था, दो लिया था, एक वेक्टर कितना लिया था? एक लिया था, और दूसरा कितना लिया था? और कितना? एक प्लस दो, कितना हो गया ये? तो रिजल्टेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एक से छोटी नहीं हो सकती और तीन से बड़ी नहीं होगी।
सवाल दिया रहेगा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, दूसरे का दो है, रिजल्टेंट कौन कौन हो सकता है, कौन कौन, तो कौन कौन हो सकता है, एक और तीन के बीच में सब कुछ हो सकता है, एक हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता तीन हो सकता नहीं हो सकता, समझ आ गया वो लोगों को। तो ये एक वेक्टर वन है, एक वेक्टर अनदर वेक्टर टू है, और रिजल्टेंट तो थ्री फोर फाइव सिक्स, कौन नहीं हो सकता, थ्री फोर फाइव सिक्स कौन नहीं हो सकता, फोर फाइव सिक्स नहीं हो सकता, और कौन हो सकता, तो थ्री हो सकता। क्लियर हो गया होगा लोगों को, बाउंड्री वैल्यू आ गया कि रिजल्टेंट मैक्सिमम मिनिमम इतना होता है, इसमें तो यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, जो लोग यहाँ पे होंगे तो वो लोग हो सकते हैं, और जो इसके बाहर है वो लोग नहीं हो सकते। तो आप जहाँ पे पहचानना होगा तो कर लोगे, जल्दी से फटाफट लिख लेंगे। रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया आपने, और 90 पे लिख लोगे कर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं से स्टार्ट किया था। रिजल्टेंट की वैल्यू 90 पे कितनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू 90 पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फटाफट एक जल्दी से क्वेश्चन कर लें, जो इक्वेशन बन गया हमारे पास, आर की मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, देख लो मैं कर दे रहा हूँ एक बार, ऊपर देखेगा मैं कर दे रहा हूँ, सवाल में दिया रहेगा, आपको करने के लिए होमवर्क दे दीजिएगा। दिया रहेगा सवाल में मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मैक्स वैल्यू, जो वेक्टर्स हैं तो उनका बोल दिया कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी दी हुई, और मिनिमम वैल्यू दी हुई, मैक्सिमम दिया हुआ और क्या दिया हुआ, मिनिमम दिया हुआ। तुम्हें क्या लेकर बताने को इन्वाइट किया गया कि 90 डिग्री पे रिजल्टेंट बता दो, किसे बताते हैं आप, 90 पे रिजल्टेंट बता दें। क्लियर बात हो गई होगी, मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ, बोल दिया कि मैक्सिमम दिया हुआ 17 और मिनिमम दिया हुआ तो डाट भी 7, 90 पे निकालना, ऊपर देगा करना नहीं है, करने के लिए आपको दिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन लेना है कि करना कैसे, मैक्स ए प्लस बी से इक्वेट कर देंगे और ए माइनस बी कर देंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो बी गायब हो जाएगा, तो ए की वैल्यू ट्वाइस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 12 आ गई। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम वैल्यू दिया हो, मिनिमम वैल्यू दिया हो, तो मैक्सिमम को इक्वेट कर देंगे इससे और मिनिमम को इससे इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। एलिमेंट्री में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिया हुआ, तो एक्स वाई निकालने के लिए एलिमेंट्री में करा हुआ आपने, तो वैसे ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ, तो ए और बी यहाँ से निकल जाएंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अब ए की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो बी की वैल्यू तो 5 आ रहा, तो करना क्या था, तो आर 90 निकालना था, तो डैट विल बी 5 स्क्वायर प्लस डैट विल 13। तो जल्दी से फटाफट बता देगा, हर एक लोगों ने कर लिया होगा, मैक्स मीन दिया हुआ था, मैक्स मीन की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, आंसर उतना ही निकालना, जल्दी जल्दी बता देगा, मैक्स मीन की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 70 और मिनिमम वैल्यू तो 10, 90 पे निकालना आपको, जल्दी बता दें, आप बता दें कितना स्पीड है आपका, मैक्स वैल्यू मीन वैल्यू दिया हुआ है 90 पे रिजल्टेंट निकालें। ओके हर एक बच्चा ने कर लिया होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी 40 और बी की वैल्यू तो डैट भी 30 आ जाएगी। ए और बी कैसे आ गया तो दिख गया होगा लोगों को, ये एडिशन दिया हुआ तो इन दोनों को ऐड करोगे तो बी कट जाएगा, तो ट्वाइस ए की वैल्यू 80 हो गए, ए की वैल्यू 40 हो जाएगी, ए की वैल्यू, क्लियर बात हो गई होगी, तो डेफिनेटली तो मेथड भी याद रह जाएगा और प्रोसेस भी याद रह जाएगा। जो करा है ना एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज कर लें, जो आज की क्लास में रिपीट बोला गया एक बार जल्दी से 2 मिनट में पूरे नोट्स को रिवाइज कर लें, और ये काम घर के लिए भी बोला गया था, घर पे भी आप क्या करें, अगर अभी से आप लग जाओगे तो डेफिनेटली आपके टॉप रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में तो आपको कुछ नहीं होता, वैसे वहाँ पे तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें ना करें, अगर आपके 1-2 महीने अभी पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपके ऊपर मुहर लग जाएगा कि आपने क्या हो गया, टॉप रैंक में जा रहे हैं आप।
जल्दी जल्दी नोट्स को एक बार देख लें कि क्या क्या बताया गया आज। एक मिनट का टाइम है आपके पास। थ्योरी को रिवाइज किया जाता, क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं किया जाता। थ्योरी में बस इतना बताया कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एंगल क्या होता है, रियल दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, पॉलीगन कितना होता है, पॉलीगन लॉ क्या होता है, रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होती है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है, रिजल्टेंट मिनिमम कितना होता है, 90 पे रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट का कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज होती है, रेंज ऑफ द रिजल्टेंट की वैल्यू। कोई एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे आप, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो अभी बोला उसको बता दें आप। आज का कॉन्सेप्ट बताया कि कंपोनेंट था, फॉर्मेशन था, जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा, दूसरी तरफ इनफिनाइट थ्री एंड टू, छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता, खत्म हुई बात। तो कोई एक टॉपिक आप बोल दो। फॉर्मेशन एक्स आई कैप ए वाई जे कैप मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर टैन थीटा ए वाई बटे ए एक्स, एक्स के साथ और कोऑर्डिनेट फॉर्म ए एक्स कॉमा ए वाई। कोई एक टॉपिक आप बोल दें। एंगल 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 हेड हेड में एंगल या टेल टेल में एंगल, छोटा वाला एंगल को एंगल कहते हैं, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो मिला कर बताएंगे आंसर। पैरेलल ट्रांसलेशन, कोई एक टॉपिक आप बता दें। टॉपिक टॉपिक बोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ पॉलीगन का नियम। तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल, पहले का टेल और दूसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट आ जा रहा था, या तीन लोगों का पहले का टेल और लास्ट तीसरे का हेड ज्वाइन करने से रिजल्टेंट है, पहले का टेल और चौथे का हेड ज्वाइन चार का, पहले का टेल और पांचवे का हेड ज्वाइन करने से पांच का रिजल्टेंट आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो पॉलीगन लॉ ये था, दो के लिए तो खुल गया अभी कि ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो रिजल्टेंट की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टेन अल्फा की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, मैक्सिमम वैल्यू कौन बताएगा जल्दी बोलोगे, ए प्लस बी कितने एंगल पे होता है, मिनिमम मिनिमम वैल्यू ए माइनस कितने एंगल पे, 90 पे कितना होता है, अगर रिजल्टेंट की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एंगल कितना बताओगे, 90 डिग्री। आर स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। एंगल आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर ये बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डैट विल बी 90 डिग्री। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंगल विल बी 90 डिग्री। ये भी जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस और लेकर दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल है, या रिजल्टेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो ए माइनस बी छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, ओके।